शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। काशी भाई आपने बुलाया? हाँ बुलाया ना, क्या है भाईगिरी से बोर हो गया तो सोचा मिनिस्टर बन जाऊं। डर क्यों गया, मजाक कर रहा हूँ, वो फालतू काम मुझसे नहीं होगा। मैंने तो दारू की भट्टी के मालिक को मिनिस्टर बना दिया। आज सुबह मैं अपनी बहन के साथ नाश्ता कर रहा था तो उसने कहा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज खरीद लिया। लेकिन अब उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि वो डॉक्टर होती तो अच्छा होता, तो कल वो तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में आएगी, उसके एडमिशन का देख लेना जरा। देख लूं? ये कोई एलकेजी नहीं काशी, एमबीबीएस है, मेडिकल कॉलेज सीट। एंट्रेंस में बैठना पड़ता है, कट्स ऑफ मार्क्स हैं, काउंसलिंग बोर्ड है और सारी सीटें फुल हो चुकी हैं और कल से कॉलेज शुरू होने वाले। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने मिनिस्टर का कोटा है ना, क्यों? अच्छा पैसा मिल रहा था इसलिए बेच दिया। बेच दिया? अगर आप पहले बताते तो मैं कुछ कर देता आपके लिए। क्या मैं आपकी बात टाल सकता हूँ? स्टूडेंट्स के फाइनल लिस्ट दिल्ली मेडिकल काउंसिल के पास भेज चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बहन मेडिकल कॉलेज में पढ़नी चाहिए। इस साल नहीं हो सकता, अगले साल भर्ती कर देंगे। अगले साल तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, कल के कल मेरी बहन का एडमिशन हो जाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा? हम लीगली कुछ नहीं कर सकते। जानता हूँ, इलीगल को लीगल कैसे करना है तुम पता लगाओ। देखो, अगर कल एक सीट खाली होती है तो मेरी बहन का एडमिशन हो सकता है ना? हो सकता है, हो सकता है काशी। किसकी सीट खाली कराओगे? खाली सीट को ले आओ। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो आप लोग? सर आप ये देख कर भी वहाँ चुपचाप खड़े हैं, ये क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? छोड़ दो। दीन सर, इस लड़की का नाम है दीपिका और मेरी बहन का नाम है दीपिका। कल ये दीपिका कॉलेज नहीं आएगी, उसकी जगह मेरी बहन दीपिका कॉलेज आएगी। अंकल क्या बेवकूफों की तरह बात कर रहे हैं? मुझे कॉलेज न जाने के लिए कहने वाले आप कौन होते हैं? मैं तुम्हें कहाँ जाने से रोक रहा हूँ? कॉलेज जाओ, अच्छी तरह पढ़ो, लेकिन इस कॉलेज में नहीं, दूसरी कॉलेज में। हाँ, पढ़ाई का कितना खर्चा आ रहा है मुझे बताओ, मैं खर्चा दूंगा। मुझे दूसरे कॉलेज में जाने के लिए कहने वाले आप कौन है अंकल? मैंने मेरिट में पास किया है और मैं यहीं पर पढ़ूंगी, चाहो तो अपनी बहन को दूसरी जगह भेज दो। अरे रे रे रे, वो मेरी बात मानेगी तो मैं उसे कहीं भी पढ़ाऊंगा। इसे समझाओ, जरा सुनो इनकी बात। बेटा इनकी बात मान लो और दूसरे कॉलेज में चले जाओ। सॉरी सर। क्या सॉरी, बात नहीं मानोगे तो पता है क्या होगा, तुम इनसे पैसा ले लो। मुझे धमकी दे रहे हो? आई कॉल द पुलिस। अरे काशी, ये क्या कर रहे हो काशी? करो छे 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 छे, आखिर तक मुझे अंकल अंकल बोलती रही। भैया कहकर बुलाती तो कुछ सोचता। चलो तुम लोग एक काम करो, प्रेस में खबर कर दो कि प्यार करने से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को गला काट कर मार दिया, पुलिस मुजरिम की तलाश में है, फ्रंट पेज पर हेडलाइन छपनी चाहिए। क्यों डीन सर, इतनी सर्दी में भी आपको पसीना आ रहा है? घबरा गए हैं, इन्हें देखिए कितने कूल है, इनके लिए और भी बड़े बड़े काम है। हाँ तो सर, कल मेरी बहन आपकी कॉलेज में आ जाएगी। काशी ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो आपके परिवार वालों को भी दुखी होना पड़ेगा। बंधु, इलीगल तो मैंने कर दिया, लीगल अब आपको करना है। ओके okay?
अबे कौन अंधा है क्या? अबे देखता नहीं है एक आदमी सोया पड़ा है, ऊपर से कचरा फेंक रहा है, अंधा कहीं का? चुप कर बे। क्या बेडरूम है? कूड़ेदान पे लेटेगा तो तेरे मुंह पे ही फेंकेंगे ना। ए भिखारी किसको बोला रे? भिखारी किसको बोला? तुझे क्या पता मैं यहाँ प्लान बनाकर लेटा हुआ हूँ? अबे तुझे क्या पता अगर सुनामी आ गया तो सब लोग ऊपर चले जाएंगे, बचूंगा सिर्फ मैं या नीचे। अबे मुझे क्या ऐसा वैसा समझा है? मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। अबे सेफ्टी में तो मैं ही हूँ। भिखारी बोलता है, देखो कितने फटे पुराने कागज डाले हैं और इतना रौब दिखा रहा है। अरे क्या रौब दिखाता है रे? अबे ये सब कागज डाल के और बोतल डाल के क्या समझते अपने आप को? इडली, अरे इडली, अरे इडली फेंकने वाले महान इंसान, अरे जब भूकंप आएगा तो तू बच जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। इडली, अरे कितनी भूख लगी है। पानी कहाँ है? पानी, पानी। अरे चोर, चोर, अरे चोर, अरे तुम लोग कौन हो? मैं पानी पी रहा था और तुम लोग मेरी इडली खा गए। अरे कौन हो तुम लोग? बोलो कौन हो, कौन हो तुम लोग? हम सब आपके भाई हैं। मेरे भाई? अरे मेरे भाई कहाँ से आ गए? मेरा मतलब है धंधे के आधार पर भाई हैं। सेंटिमेंटली ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा ये बताओ पहले तुम लोग किस एरिया में भीख मांगते थे? पास के एरिया में भीख मांग रहे थे, लेकिन वहाँ के लोग हमसे भी बड़े भिखारी हैं। अरे कचरे के डब्बे में खाने लायक कुछ डालते ही नहीं है। आपका नाम क्या है? अच्छा ऐसी बात है, नाम क्या है? डर गए क्या तुम लोग? नहीं भाई, अपने नाम के आगे सांप का नाम रखा है ना, इसीलिए। हाँ अरे बात ये है कि कुछ दिन पहले मुझे भूख लगी थी तो मैं स्नैक्स ढूंढ रहा था कि उसी वक्त मुझे एक स्नेक ने काट लिया, और जब मुझे सांप ने काट ही लिया तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने नाम के आगे स्नेक लगा लूं। अरे हम भिखारी है तो क्या हुआ, नाम तो अच्छा होना चाहिए। अरे जब नाम अच्छा होगा तो धीरे धीरे काम भी अच्छा होने लगेगा। ये क्या हो रहा है? अरे क्यों मार रहे हो इसको? इसने म्युनिसिपल इलेक्शन में हमारे नेता के खिलाफ पर्चा भरा है, वापस लेने को कहा तो नहीं माना, इसलिए मार रहे हैं। अरे वाह, लगता है अपनी किस्मत खुलने वाली है। स्नेक बाबू मौके का फायदा उठा। अच्छा तो तू इसलिए इसे मार रहा है? चुपचाप निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, वरना मुझे पता नहीं क्या होगा। तो वापस लेने को कहो। वापस नहीं लिया तो मेरे नेता के खिलाफ खड़े होने वाले इसके हाथ पैर तोड़कर अपना गुस्सा उतारेंगे। अच्छा गुस्सा ही उतारना है तो तुम एक काम करो, इसके ऊपर जो गुस्सा उतारना है वो तुम मेरे ऊपर उतार लो। इसको जितना तुम्हें मारना है उतना तुम मेरे को मार लो। क्या है? कहीं जान से ना मार दे। अबे चुप करो। अबे इतने दोनों जो मार खाई उस मार बेकार थी, आज जो मार खाऊंगा वो मार काम की होगी, उस काम से मुझे पैसा और नाम मिलेगा। अरे हो सके तो तुम लोग भी मेरा साथ दो। अच्छा, आप देख क्या रहे हो भाई, शुरू करो। अच्छा तो उसके वापस लेने तक मुझे कंटिन्यूस क्या मारना पड़ेगा? वापस लेने मारपीट बंद करो, मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। ठीक है, चलो निकलो। सब सुन लो, मेरे नेता सुना पांडे के खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी, समझे? चलो रे, आओ, चलो चलो। अरे मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो भाई लोग? अरे मेरे शरीर में जो खून है वो आप लोगों का है, आप लोगों का फेंका हुआ कचरा खाकर मैं इतने दिनों से जी रहा हूँ। मेरे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, मेरे हाथ, मेरे इन हाथों की रेखाएं सब आप लोगों की है। अरे मुझे शुक्रिया कहकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, क्यों अपने से जुदा कर रहे हो भाई? ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो। के लिए मार खाने वाला इंसान मैंने आज पहली बार देखा, इसलिए इन्हें ही अपना एरिया काउंसिलर सिलेक्ट करते हैं। क्या कहना है आपका? चेन्नई में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे आकर। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ नर्स का काम कर रही हूँ बहुत सालों से, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। कितनी अच्छी है, फिर आपका ट्रांसफर क्यों किया? अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मैं खुद ही यहाँ पर ट्रांसफर लेकर आई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। माँ तुम्हें ना, तुमने आते ही बकबक शुरू कर दी। ये, ये, ये। वाव, क्या लगता है यार। ये ये ये
एक्सक्यूज मी, हेलो, सुनो, इतनी जोर से टक्कर मारी सॉरी भी नहीं कह सकती थी? गलती से टकराई थी तो सॉरी कहती, मैं तो जानबूझकर टकराई, फिर सॉरी क्यों कहूं? क्या कहा, जानबूझकर टकराई? हाँ बाबा, जैसे सुंदर लड़की को देखकर लड़के कैसे टकराते हैं, और उसी तरह खूबसूरत लड़के को देखकर मेरा मन किया तो मैं टकरा गई। कैसी लड़की है? हेलो हैंडसम, चाहो तो बदला लेने के लिए तुम भी टकरा सकते हो। सर 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 सर, रुके रुके, आप पूरे परिवार के साथ आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा तिरुचि ट्रांसफर कर दिया गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। सर ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ आने के लिए कहा कहा कि मेडिकल कॉलेज में आप फाइनल ईयर में मुझे सीट दिलवाएंगे और आप खुद जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अरे ये क्या करें? देखो बेटा, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने का मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, तुम जाकर डीन से मिलो, मैं चलूं? सर आप तिरुचि क्यों जा रहे हैं? बेटा उस कॉलेज में एक बिगड़ी लड़की है, उसका टॉर्चर अब मुझसे सहन नहीं होता बेटे। एक दिन वो क्लासरूम में कुत्ते के साथ आई, मैंने उससे पूछा कि बेटी ये मेडिकल कॉलेज है या कोई पार्क है? इस छोटे से सवाल के लिए उसने मेरा ट्रांसफर तिरुचि करवा दिया। अच्छा तो मैं चलूं? सर वो है कौन? उसका नाम दीपिका है। दीपिका? हाँ, चलो चलो आओ बेटे आओ। लगता है शहर की सारी लड़कियां टेढ़ी है। ये लो। ये सब किस लिए माँ? इतने दिनों से तुम स्टेथो को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तुम फाइनल ईयर में हो, अब इसे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैंने नया खरीदा। थैंक यू मॉम। हे चलता हूँ। बाय। अरे इतनी देर इंतजार कर रहे हैं, कौन सी रात है? आओ जल्दी बुलाओ। हाँ जल्दी बुलाओ। ये हटना रास्ते से। ये सुन रहे, यहाँ काउंसलर कौन है यार? ए, ये क्या पूछ रहा है, जवाब दो इसको। ओ सर आप यहाँ हैं, मेरा नाम आनंद है, मैं कोयंबटूर से आया हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं। मत ना कर, मत ना कर, भाग यहाँ से, भाग। ए तुझे क्या, मैं काउंसलर नहीं लगता? हैं? दिखने में काले नाग लगते हो, सपने बड़े बड़े देखते हो। ये क्या बोल रहा है? सपने देखो लेकिन उसके लिए किसको चाहिए? इसके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहा है, पता है? पता बता इसको, पता है कि मेरी पावर क्या है? यही काउंसलर है स्नेक बाबू, थर्ड स्टैंडर्ड। बाप रे, सिर्फ तीसरी तक पढ़े हैं ये? अरे इसने मेरी पढ़ाई का पूछा, तेरी पढ़ाई के बारे में पूछा था क्या? पूछा था क्या? ए तुझे पता चल गया ना कि मैं ही काउंसलर हूँ, अब बोल क्या चाहिए? सर 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 सॉरी सर, गलती हो गई, साइड से दिखने में आप एक ड्रामा आर्टिस्ट लगते हैं, इसलिए ऐसा लगा मुझे। सर काउंसलर सर, मैं कोयंबटूर से आया हूँ, मुझे यहाँ मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए था। देखो मैं बाहर के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं देता, जिस शहर से आए हो वहीं के काउंसलर से सर्टिफिकेट लौट जाओ। सर सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। कहा ना मैं नहीं दे सकता। सर ऐसा मत कीजिए, सर सर प्लीज मेरी बात समझिए। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, तुम जाओ। पानी देने को तैयार हूं। अरे तुम लोग यहां खड़े हो क्या करो, जाओ अंदर, जाओ जाओ जाओ। ये बात ही तो पहले बोलना था ना, पहले क्यों नहीं बोला? ला 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 जल्दी दो। सर आप तो पांचों उंगलियां पकड़ रहे हैं। अभी नहीं समझते, पांच उंगलियों का मतलब है 5000। क्या कहा 5000? आपको पता भी है 5000 में कितने जीरोस लगते हैं? अरे जीरो से क्या लेना है, अरे मैंने अपने मुंह से बोल दिया ना, तू समझ नहीं सकता क्या? देखो मैं तुम्हें 5000 नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? हो तो 5 रुपए दे सकता हूँ, एक अंडा और दूध पीकर खुश हो जाओ, एक काले सांप के लिए इतना काफी है, समझ गए ना तुम? अरे साथ में बाबू भी है ना, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। देखिए 5 रुपए से ज्यादा मेरी हैसियत नहीं। स्नेक के लिए अलग होता है, बाबू के लिए अलग होता है, समझा करो। देखिए ये बकवास बंद करिए, 5 रुपए चाहिए या नहीं? इसीलिए बाहर वालों को सर्टिफिकेट नहीं देता। आई सी यू, गेट आउट। ऐसी बात है? हाँ। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ के हो? मदुरई का। अच्छा तुम मदुरई से आकर काउंसिलर बन सकते हो, लेकिन मैं कोयंबटूर का हूँ तो तुम मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते? ओहो, तो आप सर्टिफिकेट के नाम पर दो शहरों के बीच में झगड़ा कराना चाहते हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो सुनो, मैं यहाँ का नेता हूँ, क्रिमिनल दिमाग का, मेरी 2 नहीं 3 आँखें हैं, इससे पहले कि मैं कुछ करूँ निकल जाए यहाँ से, ICU गेट आउट। बात है, यही बात है। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने बड़े राजनेता हो। अरे देख लेना देख लेना, जब मर्जी आए देख लेना। यार इतनी जोर जोर से बोलता है, बोलता है कि थूकता है, मुझसे बदबू आती है तेरे। अब दिखाता हूँ मेरी पहुँच कहाँ तक है। हाँ सुन मनोज, क्या कहा? गवर्नमेंट ने जो गांव वालों के लिए मुफ्त साड़ी और धोती बांटने के लिए भेजी है, वो सारा माल स्नेक बाबू ने अपने गोदाम में छुपा कर रखा हुआ है। क्या कहा? मिनिस्टर फंड से जो 15 लाख रुपए आए हैं, वो इसने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा लिए। क्या कहा? CM ने दिए हुए पब्लिक के 200 TV इसने अपने रिश्तेदारों में बांट दिए हैं। झूठ बोल रहा है, मतलब अपने वोट डालने वाली जनता को इसने ठगा? हे भगवान, मारो इसे, मारो मारो, छोड़ो मत करो। अरे भीड़ इधर क्यों आ रही है? अरे क्या, मारो 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 मारो। अरे तुम लोग उसकी बात पर भरोसा करके मुझे मार रहे हो? वो गोरा आदमी झूठ नहीं बोलता।
अरे ये क्या बोल रहा है, अरे झूठ बोलने में गोरा क्या काला क्या, भगवान ये कहाँ से आ गया। क्यों कैसी रही आप, राजनीति के बड़े क्रिमिनल है तो हमारा दिमाग भी कम नहीं है। अच्छा, राजनीति मेरे हजारों दुश्मन है और सबसे पहला दुश्मन है तू। इस स्नेक बाबू के अंदर जितना भी जहर है वो सब तेरे ऊपर निकालूंगा, ये मेरी सास नाग माता की कसम है। चुपे, तुझे तो ठीक से कसम खानी नहीं आती, सास का जंगली दामाद। कसम में क्या गलती हो गई, मुझे लगता है माँ की जगह सास बोल गया मैं। अरे अरे, गाड़ी रोके बिना कहाँ जा रहा है। सर रुकिए, सर गाड़ी रुकिए, सर यह गाड़ी रोकना मना है, हटाइए गाड़ी। यहाँ पार्क क्यों नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट पार्किंग है ना। स्टूडेंट पार्किंग है लेकिन गाड़ी यहाँ नहीं रोको, गाड़ी हटाओ यहाँ से, सुनते क्यों नहीं। वॉचमैन माधव मोहन, ये गाड़ी यहाँ क्यों नहीं खड़ी कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है ये। ए, सेम टू यू। वो नहीं जगह है सर। तो क्या यहाँ पर आम लोग पार्किंग नहीं कर सकते सर। किसके पार्किंग की जगह? सर दीपिका मैडम की पार्किंग की जगह। दीपिका मैडम, चिल्लाइए नहीं ना सर, आप समझते क्यों नहीं। मोटू क्या प्रॉब्लम है, वो इशी है, कौन है वो? उससे भी ऊपर डीन है। नहीं, उससे भी ऊपर गवर्नर है। उससे भी अबे कौन है, बोलता है कि दो एक। सर दीपिका मैडम इस कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, लेकिन सब कुछ फाइनल वही करती हैं, समझे। मेरा नाम आनंद है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, आज से यहाँ पर सब कुछ फाइनल मैं ही करूँगा। अब क्या फाइनल करेंगे सर, ये गाड़ी यहीं पर रहने वाली है, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। माधव मोहन सर, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। थैंक यू सर, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, हमेशा आगे की सोचता हूँ। मैं कमिंग सर। यस, गुड मॉर्निंग सर, आई एम आनंद फ्रॉम कोयंबतूर मेडिकल कॉलेज। हाँ बैठिए। थैंक यू सर। आपके रिकॉर्ड्स देखे, कोयंबतूर मेडिकल कॉलेज के डीन ने आपको अच्छे सर्टिफिकेट्स दिए हैं। गुड, थैंक यू सर। आनंद एक बात और, यहाँ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से जरा संभल कर दोस्ती कीजिए, स्पेशली दीपिका। दीपिका, उस लड़की को यहाँ आए एक ही महीना हुआ है और अब तक दो प्रोफेसरों को ट्रांसफर करवा चुकी है वो, और दो स्टूडेंटों के हाथ पांव तोड़ चुकी है वो, बी केयरफुल। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाय हैंडसम। ए तुम यहाँ, यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसी कॉलेज में फाइनल ईयर कर रही हूँ। ओहो, इसे भी इसी कॉलेज में आना था, क्या मुसीबत है। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, करीना करीना करिश्मा रवीना ऐश्वर्या सुष्मिता सलीना विपाशा रानी प्रीति प्रियंका सोफिया सेफाली सानिया मारिया। आजा प्यारे साथ में आज मिलेगी मारिया, आजा प्यारे साथ में आज मिलेगी मारिया। आरिया अपने दिल में दे जगह, सच 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 मारिया तुझ पे तो मैं मर मिटा, दिल तेरे नाम ये कर दिया, एग्रीमेंट पे लिख दिया, सुन ओ मेरी मारिया। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो जी, ओल्ड ट्रेंड छोड़ो जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो जी, ओल्ड ट्रेंड जगना तेरे ख्वाब लिए आंखों में, यूं आके गले से लग जा, मेरी समझ रे उलझन तू, मेरी बातें सुनती जा, अरे सुनती जाना रे तू, अपना मुझे
रे बोल 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 डाल हाँ तो अब रे आई लव यू देर 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 न कर रे हाय समझती क्यों नहीं रे कभी पूछ तो मेरा हाल अरे जाने जा जाने मन तू इस दिल के अंदर अरे कितनी है हलचल तू सुन दिल दिल है दीवाना मेरी जाने जाने है अब रे तू इश्क दनख दे छोड़ अब पूरी कर दे हर आरजू यो तू मेरे दिल में है रे मेरे दिल में है तू तू मुझे दिल अपना दे तो मैं बोलूं तुझे थैंक यू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो जी ओल्ड ट्रेंड छोड़ो जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो जी ओल्ड ट्रेंड छोड़ो जी अपना रास्ता छोड़ो जी ढूंढो रास्ता कोई और जी आर्या अपने दिल में दे जगह सच 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 मारिया तुझ पे तो मैं मर मिटा आ आ आ आ आर्या आ आ आ आर्या यो कॉलेज में कौन नया है फाइनल ईयर में आया है उसका नाम उसका बायोडाटा नहीं पूछा यहाँ पार्क नहीं करना उसे बताया वॉचमैन इसने मना किया लेकिन वो माना नहीं ओह देखने में कैसा है बहुत सुंदर है ओह बहुत स्मार्ट है कोई बात नहीं देख लेंगे ए, उससे कहो कि मुझे आकर गुड मॉर्निंग कहकर जाए जाओ अच्छा मैडम दैट इज द फंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द हार्ट Let us come to the left pulmonary artery. It does not function on its own. Right article and right pulmonary artery. Sir. Yes. Good morning, sir. Morning. Anand ko bulaya hai. Anand? Sir. Maine kaha tha na Natija, wo aapko bula rahi hai. Aakar good morning karne ke liye kaha hai. Baad mein matlab kab? Class khatam hone ke baad mein bola na. Achha, achha, theek hai. Sorry, sir. अभी तक यहीं बैठी है मैडम साहब ने ये कहा है कि पढ़ाई खत्म होते ही वो आपसे मिलने आ जाएंगे उसने क्या कहा ये मुझे मत बता तू जो मैंने कहा उसे जाकर बता तू ए प्रोफेसर प्रोफेसर साहब मैडम आपको बुला रही है बोलिए वहाँ सेमिनार हॉल में आनंद बैठा है उसे आने को कहो बोलता हूँ क्या किस्मत है ट्रांसफर भी नहीं करते कम ऑन लुक एट द डायग्राम एक्सक्यूज मी सर यस मिस्टर आनंद जी मैं हूँ आकर गुड मॉर्निंग कह दो सर उसे यहाँ आने के लिए कह दीजिए मैं यहीं पर हूँ ओहो वो यहाँ नहीं आएगी जरा तुम आकर गुड मॉर्निंग कह दो ना आई एम सॉरी सर अब पता नहीं क्या होगा Look at the cross section of pulmonary artery. Please switch off your cell phone. आपका फोन बज रहा है। हाँ? Oh. Hello? Okay, madam. Okay, भेजता हूँ. आनंद, तुम्हारी वजह से दूसरे students परेशान हो रहे हैं. तुम चाहे मुझे good morning मत कहो, please उसे जाके good morning कहो. सर आखिर वो लड़की है कौन? मैं जाकर उसे गुड मॉर्निंग क्यों कहूं? अगर तुम नहीं जाओगे तो वो हम सब की छुट्टी कर देगी सर मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ आप उस लड़की से डर सकते हैं लेकिन मैं नहीं डरता आप प्लीज अपनी क्लास लीजिए आनंद प्लीज आनंद प्लीज जाओ ना प्लीज आनंद जाओ ना प्लीज जाओ प्लीज आनंद जाओ ना यू मस्ट गो प्लीज गो प्लीज जाओ यार प्लीज आनंद प्लीज जाओ 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 ना आनंद जाओ यहाँ किसी ने गुड मॉर्निंग कहने के लिए बुलाया है सिस्टर टाइम क्या हो रहा है 12:30 गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून होता है गुड आफ्टरनून तुम बताओ गुड आफ्टरनून राममूर्ति सर 12 बजे के बाद क्या होता है बेशक गुड आफ्टरनून ही होगा माधव प्यारे तुम बताओ 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग होता है या गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून देखा तुमने एक अनपढ़ वॉचमैन को भी पता है
लेकिन फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली वेदिका को वेदिका नहीं दीपिका आ, आ, दीपिका दीपिका तुम दीपिका हो मैं नहीं ये शायद तुम्हें पता नहीं है कि 12:30 के बाद गुड आफ्टरनून होता है अरे रे अब तुम गुड मॉर्निंग कहते हो या नहीं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं गुड मॉर्निंग सुबह में कहते हैं सुबह ही कहूंगा तो बाइक भी सुबह ही ले जाना तुम सिर्फ बाइक लेकर क्या करोगी हाँ ये लो चाबी टंकी फुल है मैडम मैडम हेलो ओ लगता है इसे 10 बजे तक सोने की आदत है गुड मॉर्निंग कहने के लिए कहा था इसलिए सुबह सुबह आके जगाया गुड मॉर्निंग शे लगता है ये सेल आपको पसंद नहीं आया दूसरी बार आ जाऊंगा गुड मॉर्निंग का मजा किरकिरा कर दिया मैंने हाँ देखिए मैंने आपसे गुड मॉर्निंग कह दिया आपने कहा था जैसे मैं गुड मॉर्निंग कहूंगा आप मेरी बाइक और चाबी लौटाएंगी कृपया करके मेरी बाइक भिजवा दीजिए हैं बाय सी यू इन कॉलेज माय डियर बिग्बी माय डियर बिग्बी गुड मॉर्निंग आपने कॉलेज को हिला कर रख दिया आप तो सुपरस्टार हो गए मिस्टर आनंद गुड मॉर्निंग आज तो मजा आ गया थैंक यू टकराना है आ जाओ नहीं आनंद अचानक टकराव तो मजा आता है वरना मजा नहीं आता क्या कह रही हो टकराना भी कोई मजे की बात है अच्छा बताओ क्या बात है आनंद आज पूरे कॉलेज में तुम्हारी चर्चा हो रही है सुना कि दीपिका के बेडरूम में जाकर तुमने गुड मॉर्निंग कहा अब पूरे कॉलेज में दीपिका किसी से भी गुड मॉर्निंग कहने के लिए कभी नहीं कहेगी दीपिका ने तो दीपिका मैम ने आपकी बाइक की चाबी दी है दीपिका ने हिम्मत की मेरे बेडरूम में आकर गुड मॉर्निंग कहे बहुत बड़ा हीरो है मुझसे टकराएगा इस दीपिका ने अपना नाम लेने वाले दो लड़कों को इस कॉलेज से डिसमिस करा दिया लेट आने का कारण पूछने पर दो प्रोफेसर्स का ट्रांसफर करवा दिया तुझे ऐसे ही क्यों छोड़ रखा है जानना चाहता है तू ताकि मेरा टॉर्चर सहन करते करते तू तंग आ जाए और इस कॉलेज से तो डॉक्टर ने ही हाथ पैर तोड़वा कर पेशेंट बनकर जाए मैं तो डर गया दिल जोर से धड़क रहा है बोल चुकी अब मैं जाऊं तुझे पता है ना तेरी बाइक भी टूट चुकी है तो अब कैसे जाओगे चल कर कार से चलता हूँ डी बाय दीपिका मैडम माँ मार्केट जा रही हो क्या वो सब छोड़ तेरी बाइक कहाँ है ये कार किसकी है फ्रेंड की कार है माँ आओ बैठ जाओ ये संभाल के देख के आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके संभाल के
नमस्कार साहब, आइए सब आइए, इधर से इधर से आइए। हाँ जाने दो जाने दो, काशी जी की गाड़ी है, जाने दो चलो। हाँ रुको रुको, ये काशी जी की गाड़ी है। नमस्ते सर, आप जाइए सर, जाइए सर। ये गाड़ी को क्यों जाने दिया? वो काशी की गाड़ी थी। गाड़ी आई। नमस्ते साहब। नमस्ते माजी, आओ माजी आओ। नमस्ते, आप हमें जानते हैं क्या? आप कोई भी हो, लेकिन भाई की गाड़ी में आए हो ना, जो भी चाहिए लिस्ट दीजिए, घर पर भिजवा दूंगा। आप जाइए, हम आते हैं। जी अच्छा। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ ये गाड़ी किसकी है? काना फ्रेंड की कार है। मुझसे झूठ मत बोलो। रास्ते में पुलिस वाला सल्यूट मारकर ट्रैफिक क्लियर कर रहा है, रास्ते के सब लोग तुम्हें सलाम कर रहे हैं, और यहाँ पहुँचने पर दुकानदार भी नमस्ते कर रहा है। हमें जरूरत से ज्यादा सम्मान मिल रहा है। इससे पता चलता है कि जरूर ये गाड़ी किसी अच्छे इंसान की नहीं है। ऐसी गाड़ी में मुझे नहीं जाना है, ऐसी फ्रेंडशिप की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम जाओ और ये गाड़ी वापस देकर आओ। अच्छा माँ, गाड़ी में बैठो, चलते हैं। मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। माँ ऑटो। माँ हाँ ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोलना है, कोई खास खबर है क्या? बहुत सारी है। हाँ क्या? हर साल मंदिर के उत्सव में आप जो मस्ती करते थे, हाँ, तो कितना मजा आता था। हाँ। और उस रानी की कमर को आप कैसे तोड़ते थे, भला कोई कर सकता है क्या? अरे हमारे डांस करने से जमीन पे गड्ढा ना पड़ जाए तो कोई बात है। अरे मेरा नाम स्नेक बाबू है। स्नेक बाबू, स्नेक बाबू नमस्ते। ए, पूछो इसको ये कौन है। आप ही पूछ लीजिए ना। तुम कौन हो भाई? अरे मैं कौन हूँ ये छोड़ो यार, तुम कुछ मारने वारने की बात कर रहे थे ना, मुझसे बात करो, मैं देखता हूँ तुम लोग को। ए, आने जाने वालों से बात करने के लिए क्या मैं भिखारी हूँ? अबे पहले अपनी शक्ल देख, चल निकल यहाँ से। ये क्या, हम लोग इलेक्शन में आपके लिए इतना बार गाते हैं, इतनी बार घसीटे जाते हैं, फिर भी आपके लिए खड़े रहते हैं, और आप यहाँ मुझे भिखारी बोल रहे हो? अरे सुनो इधर आओ, ये तो राजनीति की बातें कर रहा है, लगता है अपना ही आदमी है। देखो इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन से पहले ऐसे लोगों को झेलना ही पड़ता है, ठीक है ना? अरे भाई अपना मुंह जरा उधर रखो और देखो मैं तुम्हारे लिए नाचता हूँ। ये लो इसे पकड़ो एंड स्टार्ट द म्यूजिक। इधर अब तूने डांस देख लिया ना मेरा, अब चल निकल यहाँ से। तुमने तो लड़की लोग के साथ ठोक बजा के नाच लिया, मेरा गया होगा। अच्छा तुझे ठोकना है? ए, देख अगर मैं तुझे ठोकूंगा ना तो तू ये आड़ा टेढ़ा जो यहाँ घूम रहा है ना सीधा हो जाएगा। अबे दो दिन की जिंदगी बची उसे क्यों खराब कर रहा, चल निकल। मेरी मैं संभाल लूंगा, तुम अंगूठी का कमाल दिखाओ। अंगूठी वाले हाथ से बहुत प्यार से बोल रहे हैं सर, आप इसको प्रसाद दे दीजिए, आपके प्रसाद बिना ये जाएगा नहीं, और इसको भगा दीजिए। अच्छा हाँ चल जा। ऐसे नहीं चलेगा, इलेक्शन में जैसे कूटते हैं लोगों को इसी तरह। ये क्या बोल रहा है? अरे जब ये नहीं मानता तो मारो बेड़े को। अच्छा चला गया। अब बहुत हो गया, चल भाग। गुरुदेव आपने मेरी बात मान के मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए अपना कार्यक्रम दिखाने। मुझे मारेगा? ये क्या बोल रहा है, मुझे मारने को बोल रहा है? भैया बहुत सेंटीमेंटली बोल रहा है, मारने दीजिए ना, मार। अच्छा तो मार खा लूं। ये क्यों क्या तो बोल रहा है? अरे अरे ये क्यों भाग रहे हैं? कहा ना आपको जोर से वाली। ये क्यों भागा? ये क्या मुझे तलवार क्यों दिखा रहा है तू? मैंने कहा था मैं अपना कार्यक्रम दिखाऊंगा। सचमुच मारेगा? शुरू हो गया मेरा कार्यक्रम। अरे ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। अरे भाग ले। आओ आनंद, आओ आओ। देखा मेरी गाड़ी की क्या इज्जत है? मेरे ख्याल से अब तो समझ आ गया होगा तुम्हें।
देखो मैं बिना तुम्हारा बैकग्राउंड जाने तुमसे खामखा उलझ पड़ा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? इतने लोगों के सामने मेरी गाड़ी चलाकर ले गया तू, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? हर मिनट हर सेकंड मुझसे क्यों उलझे सोच कर दुखी हो तुम? अब मैं दिखाऊंगी। प्लीज देखो तुम ऐसा मत करो, तुम लोग बड़े लोग हो, हम साधारण लोग हैं। बड़प्पन दिखाकर मुझे माफ कर दो। ये लो अपनी चाबी रखो। उस कार की वैल्यू भी पता है तुम्हें? नहीं मालूम, तुम ही बताओ। इस गाड़ी को बुक करने के बाद जब डिलीवरी लेने गई थी तो सिर्फ 50 किलोमीटर चली थी। पूछा तो पता चला कि ट्रायल लिया था। जब उन लोगों ने इसका ट्रायल लिया तो वो गाड़ी सेकंड हैंड हो गई। इसलिए उस गाड़ी को छोड़कर नई गाड़ी का मैंने खुद ट्रायल लिया। ऐसी गाड़ी खरीदने की, उसे छूने की औकात होनी चाहिए, और उसमें ट्रेवल करने का दम है तुम्हें? इतनी सी भी हस्ती नहीं है तुम्हारी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब उस गाड़ी को यूज करूंगी? मैं जानता हूँ आइंदा से तुम वो गाड़ी कभी भी यूज नहीं करोगी। क्योंकि तुम जानती हो मैंने तुम्हारी गाड़ी का क्या किया है। जानते हो मैं तुम्हें सॉरी कहने क्यों आया हूँ? क्योंकि जिस गाड़ी को 50 लोगों ने मिलकर बनाया है उसे मैंने 5 मिनट में तोड़ दिया, इसलिए मैं कहने आया हूँ सॉरी। किसी भी चीज को बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन उसे बर्बाद करना काफी आसान। अब तुम्हारी उस गाड़ी की वैल्यू कितनी है तुम जानती हो? ये पकड़ो। हाथ गाड़ी से भी कम। बंगार में बेच दो गाड़ी, बंगार में बेच दो। उस विश्वनाथ को पकड़ कर लाओ। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सुनो अरे मुझे माफ कर दो। सुनो मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुनो सर, मैं अब की बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ। यही हाथ मेरी बहन पर उठाया था ना? हाँ, यही हाथ उठाया था ना? यही उठाया था ना? हाँ, दर्द तो हो रहा है। सर मेरी बात तो सुनो। दर्द हो रहा है? सर मुझे माफ कर दो। दर्द हो रहा है? सर मुझे माफ कर दो। सर मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है। जाओ लेके जाओ इसको, और डॉक्टर साहब को बुलाओ और उसको बोलो होश में आने के लिए। जाओ लेट मत करो, जल्दी बुलाओ। ओके सर, उड़ा उड़ा उड़ा, चल चल लेके चल। स्टूडेंट्स लिसन, इस लड़के के सर पर बहुत जोर से चोट लगी है, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ड्यूरिंग सच सिचुएशंस इज इट इंपॉर्टेंट दैट वी कंटिन्यू टू? ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सुलझाना इतना आसान काम नहीं, समझ गए? इस तरह के केसेस में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। You see, actually... ए, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर आओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। सर प्लीज 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 कंटिन्यू। हेलो, मुझे आनंद से बात करनी है। अब बाहर जाएंगे। ए, कैंसिल द क्लास। सर नो सर, सर प्लीज सर नो, ऑल ऑफ यू कैन गो। आओ चले। चलो। बोलो क्या बात है? ए, तुमसे पूछ रहा हूँ। ए, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, मजाक किया बस। अब जाओ। ए, ए, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? हाँ, तुमने क्या मजाक समझ रखा है? हाँ, जानती हो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो? डीन बता रहे थे कि एक मरते हुए पेशेंट की जान कैसे बचानी चाहिए, लेकिन तुमने आकर सब कुछ खत्म कर दिया, खराब कर दिया सब कुछ। तुम डॉक्टर की पढ़ाई क्यों करना चाहती हो? सिर्फ कॉलेज आकर टाइम पास करना चाहती हो? डॉक्टर की एक सीट वेस्ट कर रखी है तुमने। डॉक्टर होता है दूसरे इंसानों की जान बचाने के लिए,
ये पेशा इज्जत का पेशा है। तुम्हारी ड्रेस तो देखो जरा, हाई हील्स, स्लीवलेस टॉप, लिपस्टिक, ये किसी एंगल से मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट लगती है क्या? देखा सारे लोग हंस रहे हैं तुम पर। फैशन शो में जाकर कैट वॉक करो। जिसने भी तुम्हें मेडिकल कॉलेज की सीट दी है ना, उसे जाकर एक चमाट मारने का दिल करता है। और सुनो, डिग्री लेनी थी तो किसी भी कॉलेज में चली जाती, यहाँ आकर हमारी जान क्यों खा रही हो? दूसरे कॉलेज में टाइम पास करती? मेरे एक सवाल का जवाब दो, वैसे भी तुम डॉक्टर बनकर करोगी क्या? हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन के नाम पर हजारों लोगों को मारोगी, बस यही करोगी? बेशर्मों की तरह कोट और स्टेथोस्कोप पहनकर कॉलेज में यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। इसके अलावा तुम्हें कोई काम धंधे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है? कोट पहनने के लिए इज्जत होनी चाहिए और स्टेथोस्कोप पहनने के लिए भी इज्जत होनी चाहिए है? जब उस लायक बनो तब यहाँ खड़ी रहना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम इसमें से किसी भी लायक नहीं हो, तो यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रही हो? सुनो, मैं तुम्हें एक सीरियसली एडवाइस देता हूँ। सुनो, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे पैसे वाली लड़की को तो शादी करके किसी बिजनेसमैन के साथ विदेश में सेटल हो जाना चाहिए, समझ गई? अब तुम भी अपने भविष्य के बारे में सोच लो और जल्द से जल्द शादी कर लो। समझा? समझा कि मैं थक गया हूँ। मुसीबत है। देखो, हमेशा कॉलेज में लड़ती रहती हो, अब आज यहाँ पर भी लड़ना शुरू कर दिया। ओहो। मैं लड़ने नहीं आई, ये लो तुम्हारी चाबी। मेरी बाइक? उधर देखो, तुम्हारे लिए नई बाइक खरीद कर लाई हूँ। थैंक यू। मेरी बाइक तो यहाँ खड़ी है। इसके बदले में तुम कार तो नहीं मांगने वाली हो ना? एक खुशखबरी सुनाना चाहती थी तुम्हें। कैसी खुशखबरी? कल तुमने जो कहा ठीक था। हाँ, सच में हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर बनकर मेरे लोगों को बचाने का कोई इरादा नहीं है। सोचती हूँ तुम्हारी बात मानकर मुझे शादी करके लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे तुम पसंद आ गए हो। आई लव यू। ये सुनकर मुझे खुशी हो रही है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि देखो प्यार करना सबका अधिकार है। एक सेकंड। देखो, मैं दूसरों के अधिकार में दखल नहीं देता। आप मुझसे प्यार जरूर कीजिएगा, पर अब मैं जरा चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हेलो, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मुझसे प्यार करना होगा, करना ही पड़ेगा। अजय सुनिए, मेरा दिल कोई क्रेडिट कार्ड नहीं जिसे आप घिसते ही मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। आप मुझसे प्यार कर सकती हैं, ये बात मेरी समझ में आ सकती है, लेकिन आपसे प्यार करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। बिना किसी वजह के मुझे तुमसे प्यार हो गया, अब अपने लिए वजह तुम ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगी। अच्छा आइडिया है, ये लो पकड़ो, मैं चलता हूँ। कल 9 बजे माया जाल में तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं। वहाँ आकर तुम्हें मुझे आई लव यू कहना होगा, समझे? तो मैं नहीं आऊंगा। तुम जरूर आओगे, आना पड़ेगा तुम्हें। माँ, मैं जा रहा हूँ। लो, फिर से शुरू हो गई। हेलो। क्या आनंद, तुम्हें मालूम है ना मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फोन की रिंग जा रही है, तुम उठाते नहीं। मैंने तुमसे वेट करने के लिए नहीं कहा। कोई बात नहीं, मत आओ, मैंने तुम्हें आज यहीं बैठकर वॉच किया। अच्छा सुनो, तुमने अपनी बहन घर में है चेक किया? हाँ? अर्चना? माँ, अर्चना कहाँ है? सुबह किसी फ्रेंड ने फोन किया था, माया जाल तक गई है। क्या बात है, कुछ काम है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। ए, मेरी बहन कहाँ है? बताओ कहाँ है? आराम से आइसक्रीम खा रही है। लो, अपनी बहन से बात करो। भैया, भैया जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है भैया।
मुझे डर लग रहा है। मैं भी आता हूँ। भैया, भैया, भैया। आओ आनंद, आओ आओ। आने में बहुत देर कर दी, हाँ? वो क्या है ना, तुम्हारी बहन से पूछा क्या पसंद है? आइसक्रीम पसंद है ना उसे? इसलिए एक के बाद एक आइसक्रीम दिलाती गई। अगर तुम सुबह आ जाते तो एक आइसक्रीम के बाद बस कर देती मैं, हाँ? लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए सुबह से आइसक्रीम खा रही है बेचारी। पता है, आज पूरा दिन तुम्हारे सेलफोन पर तुम्हारी बहन फोन करती रही। आनंद, थोड़ी देर पहले तुम्हारी बहन को बुखार 100 डिग्री था। कल सुबह 9 बजे वेट करूंगी मैं तुम्हारा, आकर आई लव यू कहना तुम। नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ आइसक्रीम खाएगी यहाँ आकर। भैया, तुम जानती हो, दुनिया में प्यार का इजहार इतने घटिया तरीके से करने वाली तुम पहली लड़की हो। प्यार इंसान को अगवा करना नहीं है, दिल को अगवा करना है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर ये जान लो तुम, तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम इस तरह से मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे, समझ गई? तुम आई लव यू सुनना चाहती हो ना? थू! भैया, भैया चलो यहां से। ए, क्या हुआ मेरी बहन को? उसकी गाड़ी कैसे टूटी? कुछ नहीं भाई, साधारण बुखार है। साधारण बुखार? ए, मैं यहाँ नहीं था तो मेरी बहन की देखभाल भी नहीं कर पाए। जाओ डॉक्टर को बुला, जाओ। भाई डॉक्टर आ गया है, चेकअप कर रहा है उन्हें। लीलावती और कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आ गए हैं भाई। बाकी डॉक्टर कहाँ है? जाओ सबको बुलाओ, जाओ बुलाओ। ए, ए, डॉक्टर क्या कर रहा है? उसे इंजेक्शन दे रहा है, दुखेगा नहीं क्या? गोली दे गोली। समझ में नहीं आता, क्या हुआ बहन, क्या हुआ मेरी लाडली, क्या हुआ? कॉलेज में कुछ हुआ? कुछ कॉलेज में किसी ने कुछ कहा क्या? कहा ना, कुछ नहीं हुआ। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, नहीं। बताओ क्या बात है? बस बुखार है। कहा ना, कोई बात नहीं, नहीं। ए डॉक्टर, ये ठीक है? ठीक है, वो ठीक है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आइए आ जाइए। हल्का सा बुखार है, मैंने उन्हें दवा दे दी है, शाम तक ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ए डॉक्टर को ले जाओ। आइए सर। कल यहाँ बरसात हुई थी क्या? नहीं तो भाई। स्विमिंग गई थी क्या? नहीं मालूम। कार टूटी है, बुखार आया है, वजह क्या है पता लगाओ, जाओ भाई। निकलो। जी।
देखी है कहाँ है तूने मेरी दीवानगी, क्यों हम दोनों दीवाने हैं, क्यों हम तेरे आशिक हुए हैं रे, क्यों हम जाने जाने ना रे, आगे पास हम रे धीरे 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 पागल, मुझे कोरे तूने ही तूने किया रे, दिल में बसी है तू हम नशी है, दिल तुझे चाहे 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 सुन मेरे माही ये मन मेरा मेरा तुझको पाना चाहे। खाइए ना आराम से खाइए। माँ जी आपने मेरी माँ को भी ओवरटेक कर दिया, माँ जी ओवरटेक कर दिया, इतने प्यार से खिला रही है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा माँ जी, कैसे चुकाऊंगा। अरे बस बस माँ जी बहुत हो गया। कोई बात नहीं आपको पूरा खाना पड़ेगा, आप साधारण आदमी नहीं है, आप इस एरिया के काउंसिलर हैं, कितने बड़े आदमी हैं, हमारे घर में आकर खाया ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसी बात है, शुक्रिया माँ जी। इन्हें भी खाने के लिए कहिए। नहीं 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 माँ जी नहीं। क्यों? वो इसलिए कि ये लोग वेजिटेरियन है। वो क्या है ना नानुए सिर्फ मैं खाता हूँ। अच्छा अच्छा। ये केकड़ा है ना डालिए ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। माँ क्या है बेटा? ये क्या माँ, आज तुम सारे भिखारियों को जमा करके खाना खिला रही हो? मैं भिखारी हूँ, इसे कैसे पता चला? चुप कर। ये क्या इसका घर है? जरा रुकिए माँ जी, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। आहा, ये तो मेरा दुश्मन है, चलो दुश्मन के घर का नमक खा लिया। माँ जी इंसान की सीरत देखनी चाहिए, उसकी सूरत नहीं देखनी चाहिए, कहिए इससे। आप बुरा मत मानिए, मैं उसे जाकर समझाती हूँ। क्या है? अरे है? वो भिखारी नहीं है, इस एरिया के काउंसिलर हैं। उनका नाम स्नेक बाबू है। कौन सा बाबू? स्नेक बाबू। चलो अब चलना चाहिए। हाँ चलिए। हेलो रंगीले। हेलो मिस्टर, माई नेम स्नेक बाबू। हाँ वो तो ठीक है, मुझे जो सही लगेगा वही कहूंगा ना। हाउ आर यू डूइंग, नाइस टू मीट यू। भाई फॉर्मेलिटी के लिए हाथ मिला लीजिए। चुप कर, ये मेरा हाथ है। कोई बात नहीं, वेलकम टू माई हाउस। ये कड़कड़ कड़कड़ की क्या आवाज थी? वो क्या है कि मेरे दांत बज रहे थे। दांत बजने की? पर मुझे तो कुछ टूटने की आवाज लगी। दांत मेरे थे, उंगलियां उसकी टूट रही थी। अंदर तक कांप रहा है ये हाथ, घर में खाना खाने के बदले हाथ तोड़ दिया। ए सांप को खाना खिलाओ या दूध पिलाओ वो बदला जरूर लेता है। तेरी मेरी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, मैं तुझे डस कर रहूंगा। माँ जरा डंडा देना। काउंसलर को अब डंडे पड़ेंगे। चलो सब लोग निकलो। भाई बहन की कार टूटने का और बुखार आने का कारण एक ही आदमी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम आनंद है। हाँ भाई हमने पता किया है, वो बहन के कॉलेज में ही पढ़ता है। उसे जलाया या दफनाया, बॉडी कहाँ है? नहीं भाई। मेरी बहन को तंग करने वाले को तुमने जिंदा कैसे छोड़ दिया? आनंद कहाँ है? आनंद पता जल्दी।
ऊपर। अरे वाह, मैं ही हूँ आनंद। ये आनंद है, चलो यही आनंद है, पकड़ो उसे, ये क्या बहन, तुम मुझे हर बात बताती थी, उसने तुम्हारी गाड़ी तोड़ी, तुम्हें तंग किया, कुछ भी नहीं बताया मुझे। मैं उसे पसंद करती हूँ। पसंद करती हो? मैंने उसे मारने को कह दिया। ए, ए, ए। हेलो। ओके भाई, ये बात है। अच्छा ठीक है। अरे क्यों, क्या हुआ? बिग बी, आप जाइए। हैं? कृपा करके आप अभी आइए। क्या? जाओ भाई जाओ। क्या मुसीबत है, गुंडे या किसी जू के बंदर? मुझे बहुत पसंद है वो। अरे मगर ऐसी क्या बात है उसमें? कॉलेज में सब मुझसे डर कर भागते हैं, लेकिन वो अकेला लड़का है जो मेरा सामना करता है। मुझे वो बहुत हिम्मत वाला लगता है। वैसे तो वो मुझे पसंद है। अगर मैं किसी के साथ जी सकती हूँ तो सच कहूँ मुझे लगता है बस वही है। भैया, आज तक आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, करवा दीजिए। अरे मारने को कहो तो किसी को जान से मार दूंगा, लेकिन ये सब शादी ब्याह कराने की बात मुझे मत कहना भैया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा, जाओ। अरे बड़ी मुश्किल है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो, उस डॉक्टर से शादी करना चाहती है वो? वो है पढ़ा लिखा और मैं हूँ अंगूठा छाप। अब उससे बात करेंगे तो कैसे करेंगे? आखिर डॉक्टर से बात करने के लिए उसकी लेवल का कोई आदमी होना चाहिए ना। भाई अपने गवर्नर को भेजते हैं। अरे वो हैंगिंग गार्डन में गोलगप्पे खाने गए हैं। तो भाई अपने मिनिस्टर प्रसन्न पाठक। अबे वो भी हमारी तरह टपोरी है, क्या बात करेगा वो वहाँ जाकर डॉक्टर के साथ? भाई आपसे जो अक्सर मिलने आते हैं कोट शर्ट पहनकर। कोट और सूट पहनकर? अरे भाई वो सफेद एम्बेसडर कार जो खूब सारी आवाज करती है, वो लाल बत्ती दिन में भी जलती रहती है जिसके ऊपर, और रात को खराब हो जाती है तो टॉर्च लेते हैं। अच्छा अच्छा कलेक्टर। हाँ भाई वही। अबे कितना पढ़ा है तू? क्लास एक तक पढ़ा हूँ भाई। देखने से ही पढ़ा लिखा नजर आ रहा है, ये सुपर आइडिया दिया है। ए, कलेक्टर को फोन लगा, चल। ओके काशी, ओके मेडिकल कॉलेज ले चलो। आनंद सर क्या हुआ? आपसे मिलने के लिए कलेक्टर साहब आए हैं सर। सर आप जैसा बड़ा आदमी मुझसे मिलने आया है, ये मुझ जैसे इंसान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कहिए क्या काम है? एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ है तुम्हारा, अब किस्मत खुल गई तुम्हारी। अच्छा वो कैसे? काशी की बहन तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। सर ये काशी कौन है? काशी को नहीं जानते? इस शहर का सबसे बड़ा भाई, पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक सब उसकी मुट्ठी में है, वो जो भी चाहता है कर सकता है। भैया लेफ्ट लीजिए, सर आपके लिए क्या किया उन्होंने? पहले मैं कहीं और ड्यूटी पर था और दाल रोटी खा रहा था, उसके एक कॉल करने पर, जस्ट वन कॉल, मेरा ट्रांसफर यहाँ शहर में हो गया। उसके पास जितना पावर है उतना ही पैसा भी। सर जरा सामने तो देखिए, रास्ते की हालत कितनी बुरी हो गई है। कॉर्पोरेशन वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कितने गड्ढे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। बेटे ये तो लोगों की परेशानियां हैं, एप्लीकेशन देंगे तो ठीक हो जाएगी। अच्छा ऐसी बात है। बेटे पता है ये कंस्ट्रक्शन किसका है? ये कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का है, काशी भाई का है। उसने अपनी बहन के लिए कंस्ट्रक्शन बनवाया है, बाद में यह हॉस्पिटल बन जाएगा। अगर तुम उससे शादी करते हो तो ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, और मेडिकल कॉलेज से ये रिसर्च सेंटर डिसेंट यूनिवर्सिटी बन जाएगी। फिर तुम खुद डॉक्टर की डिग्रियां बांट सकते हो, तब तुम्हें कौन रोक सकेगा? मेरे ख्याल से अभी तुम सब कुछ समझ गए होगे, है ना? तुम बहुत किस्मत वाले हो, करोड़ों कमा सकते हो। क्या कहते हो, काशी को फोन करूं? फोन करने की तकलीफ मत कीजिए, आपकी उतरने की जगह आ गई है, आप उतर सकते हैं। ए हटो हटो हटो, चलो उधर चलो, हाँ जाते हैं।
बोलो मैं काशी को क्या कहूँ? सिंपल सी बात है, वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। मैं बहन को मना कर चुका हूँ, आप जाकर भाई को मना कर दीजिए। तुम काशी का बैकग्राउंड जाने बिना बोल रहे हो। इन बातों को छोड़िए सर, आप अपना बैकग्राउंड देखिए। आप जिले के कलेक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर, आप भी तो एक मिडिल क्लास से ही कलेक्टर बने हैं। मैंने लोगों की जान बचाने वाले कई कलेक्टर देखे हैं, लेकिन इस शहर के गुंडे मवालियों को सपोर्ट करने वाला कलेक्टर मैं पहली बार देख रहा हूँ। और आप उस गुंडे के लिए मुझे मेरी मर्जी के बिना उसकी बहन से प्यार नहीं करवा सकते हैं, कभी नहीं। प्लीज एक अच्छे कलेक्टर बनिए। वाह 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 वाह, अब उनको बहुत पसंद आया। अगर वो यस बोलता था तो आप नो बोलता था, लेकिन काशी की बहन है यह जानकर भी उसने नो बोला, आप उनको बहुत पसंद आया। ए, ये कलेक्टर वाला आइडिया किसने दिया था रे? उसने भाई। मैंने भाई? तेरी। हे, वो डॉक्टर है, कलेक्टर से नहीं डरेगा, वो पुलिस से डरेगा, सिर्फ पुलिस से। क्या बोलता है कलेक्टर? ठीक है काशी, उससे बात करना बेकार है, उसे धमकाना पड़ेगा। अरे अपना वो पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी मूछ वाला है ना, क्या नाम है उसका? अरे वो यार बड़ी बड़ी मूछ वाला। परिमल काशी, परिमल मुच्छड़ परिमल। अरे आओ आओ परिमल, मुच्छड़ परिमल, तुझे ही याद कर रहे थे। काशी क्या हुआ, कलेक्टर साहब भी आए हुए? कुछ नहीं बे मुच्छड़, मेरी बहन का रिश्ता लेकर कलेक्टर को भेजा था, लड़के ने इनकार कर दिया। क्या कहा? इनकार कर दिया? एक बार उसका पता बताओ, अभी उठाकर अंदर कर देता हूँ, नहीं तो मेरा नाम मुच्छड़ परिमल नहीं। करो, तुम्हारे अंदर बात करने की अकल नहीं है। देख भाई मुच्छड़, नाम है आनंद, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। अब तू क्या करता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरी बहन की शादी करवानी है। तुम कार्ड छपवाओ, मैं लड़के को लेकर आता हूँ। सुन मैं मुच्छड़, लड़के के साथ नहीं आया तो तेरी मूछ मुड़वा दूंगा। आइए अंकल। अंकल? हाँ उम्र में बड़े हैं इसलिए अंकल कह रहा हूँ, बुरा लगा तो कुछ और कह सकता हूँ। नहीं बोलो बोलो। तुमने मेरा नाम सुना है? मुच्छड़ परिमल। हाँ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इसलिए आपने बुलाया तो मैं दौड़कर फौरन चला आया। सुना है काशी की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया? जी हाँ सर। बेटा, कलेक्टर के पूछने पर मना कर दिया, ये एनकाउंटर दूसरे किस्म का होगा, क्या कहते हो? सर अभी मेरा जवाब वही होगा, फाइनल जवाब है। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मुच्छड़ परिमल है, मेरे नाम से सब डरते हैं समझे। मैंने 10 शहरों में 20 लोगों को भगा भगा कर एनकाउंटर किया है। हाँ बात करता है। सर आपके चिल्लाने से तो मेरी आइसक्रीम पिघल गई, देखिए जमीन पर क्या हाल हो गया है उसका। लेकिन अंकल मैं नहीं पिघलूंगा। ऐसी बात है, नहीं पिघलेगा। हे, मैं चाहूं तो तुझे अभी शूट कर सकता हूं समझे, लेकिन करूंगा नहीं। मैं डर गया, लेकिन टेक्निकली आपको एक प्रॉब्लम है। मुझे शूट करने से पहले आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उस कलेक्टर को मैंने ही परमिशन नहीं दी है, तो आप मुझे कैसे शूट कर सकते हैं जरा इतना बताइए। अगर फिर भी आपको मुझे शूट करना है तो अंकल मैं आपको एक पोज देता हूँ, आप मुझे शूट कीजिए ना शूट, प्लीज अंकल शूट कीजिए ना। इंतजार किसका है, शूट कीजिए। लगता है फंस गया यार। क्या बेटा इमोशनल हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। बेटा एक काम करो, मेरी बात मानो, काशी की बहन से शादी कर लो। प्लीज अंकल मुझे फोर्स मत कीजिए। देखो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अभी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, उसके बाद चाहो तो डिवोर्स कर देना। अरे अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप एक शादी के ब्रोकर की तरह, मिडलमैन की तरह। क्या बेटा तुम ऐसी बात कर रहे हो, मान जाओ ना। सर गुंडों को पुलिस वालों का डर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक पुलिस वाला ही गुंडों से डर रहा है, बड़े शर्म की बात है। कलेक्टर से नहीं डरता, पुलिस से भी नहीं डरता, तुम लोग क्यों बैठे हो यहाँ, जाओ। आई एम सॉरी काशी, अब मैं चलता हूँ। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। क्या बात करते हैं भाई, एक बार आप मुझे बोलकर तो देखिए, मैं उसके परिवार को उठाकर ले आऊंगा। मोटे तुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सोच मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। अगर पसंद नहीं करती तो उसको अभी इधर के इधर
खत्म कर देता मैं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरी बहन को वही पसंद है। भैया, उसका नाराज होना जायज है, मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया है, ये हमारा घरेलू मामला है, किसी और को भेजने से अच्छा है आप खुद उससे जाकर बात कीजिए। आप जाएंगे ना? क्या बहन, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए जी रहा हूँ मैं, तुमने कह दिया तो समझो हो गया। ए, कल का अपॉइंटमेंट ले रहे डॉक्टर से मिलने का। ओके बहना। ओके। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। ये भाई कौन है? काशी भाई मिलना चाहते हैं तुमसे। ओ काशी भाई, कौन से डिपार्टमेंट से? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओ अच्छा अच्छा, माया जल में मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, अब 5 मिनट में आकर मिल ले मुझसे वो। ओके ओके ओके, भाई माया स्टोर में वो आइसक्रीम खा रहा है, बोला है 5 मिनट में वहाँ पहुँचो। अबे तो बताने में इतनी देर क्यों कर रहा है, चलो 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 चलो। उधर 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 देखो, चलो उधर देखो, कोई यहाँ आइसक्रीम खा रहा था क्या? पता नहीं सर। हाँ पता नहीं, यहाँ पर खा रहा था। भाई सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। कहाँ गया होगा? कहाँ गया होगा? मुझसे पूछ, मुझसे क्या पूछता है, फोन करके पूछ। देखता हूँ देखता हूँ। ये क्या सर, आप लोग कितने इरिस्पॉन्सिबल है, कितने देर से मैं मायाजाल में इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी सर, लेकिन अब आप कहाँ हैं? मैं डोमिनोज में पिज्जा खा रहा हूँ, पिज्जा खत्म होने तक रुकूंगा बस। डोमिनोज में पिज्जा खा रहे हैं, वहीं रुकिए, हम लोग 5 मिनट में पहुँचते हैं। ए, अबे तू 5 मिनट में कैसे पहुँचेगा? कोशिश करते हैं ना भाई। अबे कोशिश की बात करता है, इतने ट्रैफिक में से कौन निकलेगा? अगर आप बोलते हो तो आधे घंटे का टाइम मांगते हो ना भाई। यार तेरी तो अक्ल भी मोटी हो चुकी है, चले चलो। क्या भाई, वैसे वो अंदर होगा नहीं, फिर भी एक बार देख ले। भाई, भाई, अरे भाई जब आपको पता ही है कि वो अंदर नहीं है तो ढूंढ के क्या फायदा? तेरी जाके देख। भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो अंदर नहीं है। अबे तेरी जा। हे, वो डॉक्टर दूर भाग रहा है ना, लेकिन मैंने सोच लिया है कुछ भी हो जाए मेरी बहन का पति वही बनेगा। फोन लगा चल। अरे क्या यार, फिर से लेट हो गया। सॉरी सर, अब आप कहाँ हैं? मैं जू बीच पर। क्या साहब उल्लू बना रहे हैं, इस बार वहाँ आएंगे तो आप मिलेंगे ना साहब? अरे हाँ हाँ बिल्कुल मिलूंगा, आ तो जाओ। क्या बोलता है, वहाँ मिलेगा ना? बोला तो है मिलेगा। मिलेगा ना? मिलेगा ना, चल ना फिर। वाह 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 बिग बी, अब पता चला मेरी बहन आप पर इतना क्यों मरती है, सुपर्ब स्टाइल है आपकी। अरे अरे बैठिए, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, बहन दामाद ये सब है क्या, आप कौन है? बहुत मजाकी है। मैं सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ, आप है कौन? हमारे काशी भाई से पूछता है कौन है। अरे सर आप काशी है, मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम आनंद है। आप यहाँ वहाँ मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे अपनी बहन के लिए। बहन के लिए? कौन है आपकी बहन? दीपिका, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। दीपिका? फर्स्ट ईयर में पढ़ती है या फाइनल ईयर में पढ़ने वाली दीपिका? सर नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मेरी बहन आपसे शादी करना चाहती है। देख तेरे को बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं, मेरी बहन आपसे शादी करना चाहती है। वो मेडिकल, देखिए मेरी बहन दीपिका आपसे शादी करना चाहती है, आप हाँ कर दीजिए बस। अरे रे 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 रे, इससे पहले भी मैं काफी लोगों से कह चुका हूँ, आपसे भी कह देता हूँ, मुझे आपकी बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी बहन जैसी कई लड़कियां हैं जो मुझसे शादी करना चाहती है, बट आई डोंट लाइक देम। अभी तो खेलने कूदने के दिन है मेरे, इतनी जल्दी शादी करके आंसू नहीं बहाने। और रहा सवाल आपकी बहन का, आई डोंट लाइक हर। ए सिल्वा। हाँ भाई। इधर आ रे। क्या हुआ? तुझे कितनी बार बोला एक ही बात, कितनी बार समझाओ, चल जा, जा। मैं आपको कितनी बार समझाऊं, आपने क्या कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो सुन, तेरी बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है,
ए, देख 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 देख, मुझे टेंशन मत दे, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मेरी बहन की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके रास्तों पे फिकवा दे। सॉरी सॉरी, माफ कर देना। देखिए, मुझे जरा गुस्सा आ जाता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी छोटी सी लाडली बहन है, वो आपसे प्यार करती है। वो ठीक से खाना नहीं खाती, सोती भी नहीं है। घर में चारों तरफ आप ही की तस्वीर लगा रखी है। बस आप हाँ कर दीजिए। नहीं, ना मत कहिएगा, उसका दिल टूट जाएगा। बोलिए, क्यों क्यों आप मेरी बहन को पसंद नहीं करते? मेरे स्टेटस से आपका स्टेटस अलग है। स्टेटस? बस इतनी सी बात के लिए इतना कुछ? बड़े मजाकिए हो। अच्छा सुनो, मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, तुम्हारे पास नहीं ना? अरे तो क्या बात है, मेरी बहन से शादी हो जाएगी तो वो सब तुम्हारा हो जाएगा, बात बराबर। स्टेटस वो है जो समाज हमें देता है। मैं गरीब हूँ, लेकिन एक गौरवशाली परिवार से हूँ, अच्छे खानदान से हूँ। वैसे समाज के नजरों से देखा जाए तो मेरा पेशा एक डॉक्टर का है। वैसे आपका क्या पेशा है? मैं व्यापारी हूँ। कैसा व्यापारी? तुम काम क्या करते हो ये बताते हुए शर्म आ रही है ना? क्योंकि तुम काम ही इतना घटिया करते हो कि बताने में शर्म आ रही है। शहर का दादा, गुंडागर्दी करना, फिरौती लेना, लूट मचाना, स्मगलिंग करना, वगैरह वगैरह वगैरह। IPCL की तमाम धाराओं के तहत तुम्हें कभी भी जेल के अंदर बंद किया जा सकता है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ संबंध जोड़ू? ऐसे संबंधों को मैं ठोकर मारता हूं। तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ये संबंध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया रुकिए, भैया क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? रुकिए। कहता है उसे तुम पसंद नहीं, बस अगर एक बार तुम कह दो उसके फोटो को नहीं असली में उसको गोली मार दो। मत होइए भैया, क्या हुआ बताइए। वो डॉक्टर है और हम गुंडे हैं। वो डॉक्टर कहता है हमारा स्टेटस बराबरी का नहीं है, स्टेटस की बात करता है। ऐसा कहा उसने? हाँ बहना। ठीक ही तो कहा, क्या गलत है? क्या क्या बात कर रही हो? हम गुंडे हैं और वो डॉक्टर, इसलिए हमारा स्टेटस बराबरी का नहीं होगा। अब आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो उसका स्टेटस चेंज कर देते हैं। वो कैसे? उसे गुंडा बना दो, उसे पूरा मावाली बना दो। क्या कह रही हो तुम? तब फिर वो भी गुंडा और हम भी गुंडे, स्टेटस बराबर हो जाएगा, तब तो रिश्ता करेगा। मुझे बस वो चाहिए, हर कीमत पर, फिर चाहे उसे गुंडा बनाकर ही अपनाना पड़े। अरे वाह 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 वाह, मेरी छोटी सी बहना का दिमाग कितना तेज है। ए! सुन लो साहब, शहर का हर आदमी उसे गुंडा बोलना चाहिए। जाओ। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, हमारे इस शहर में भयंकर बीमारी फैलने वाली है। मेरे कुछ दुश्मनों ने हमारे इस शहर में भयंकर मच्छर छोड़े हैं। इन मच्छरों के काटने से आपकी जान भी जा सकती है। भाइयों, अगर मेरे पास पैसों की कमी नहीं होती तो मैं मच्छरदानी खरीदता और पूरे शहर को मच्छरदानी से ढकवा देता, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। और भाइयों, मेरे कुछ वैज्ञानिक दोस्तों से मुझे पता चला है कि एक एक मच्छर 16,000 अंडे देता है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आदेश दिया कि सारे शहर में मच्छर जितने भी अंडे देते हैं उन्हें जमा करा जाए और उनका ऑमलेट बना दिया जाए। लेकिन भाइयों, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके साथ ही साथ इस शहर में चिकनगुनिया और मटनगुनिया जैसी भयंकर बीमारी भी फैल रही है। भाइयों, मैं अपने खुद के पैसों से पूरे शहर में दवाई छिड़कवा रहा हूँ, जिसे आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोग का महान नेता हूँ, आप लोगों का ख्याल रख रहा हूँ। ये क्या हुआ, ये लोग गिर क्यों रहे हैं? अरे भाई, सिर्फ यहाँ नहीं, वो देखो उधर पीछे गिर रहे हैं लोग। अरे अरे, ये क्या हुआ, ये तो डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हैं। अरे ये क्या, अरे तूने कौन सी दवाई डाली, देख सामने कितने लोग गिर गए। सिर्फ यही नहीं, पीछे भी गिरे हैं। तूने दवाई कितनी मिलाई थी? आजकल साधारण दवाई से मच्छर मरते नहीं है ना, इसलिए ज्यादा मिला दिया। इतना ज्यादा क्यों मिला दिया करो? अरे ये लोग भी गिर गए, अरे भी जा रहे। अरे भाइयों, मेरा इस दवाई से कोई संबंध नहीं है, मैंने कोई दवाई छिड़कने को नहीं कहा था। अरे ये लोग भी गिर रहे, अरे कहाँ जा रहे, रुको। अरे ये लोग तो जा रहे हैं, अब पुलिस आएगी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, अरे मैं क्या करूँ। भगवान,
पुलिस भागो। अरे दवाई डाल के जनता को मारता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहता हूँ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है मेरा इससे, मेरा कोई संबंध नहीं। ये भी क्या, ये लोग भी गिर गए। अरे क्या हो रहा, पुलिस भी गिर गई। सब एक एक करके गिर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। अब बात मेरे समझ में कुछ आ रही है। देखा, मेरा नाम स्नेक बाबू है। स्नेक बाबू को कभी कुछ नहीं हो सकता। स्नेक बाबू कभी नहीं मर सकता। स्नेक बाबू जिंदाबाद, स्नेक बाबू जिंदाबाद। सुनो सुनो बेटी, मेरा बेटा, उसका नाम विश्वा है, देखने में ऊंचा लंबा, इसी कॉलेज में पढ़ता है, बहुत दिन से घर नहीं आया। तुमने उसे कहीं देखा? नहीं माजी। माजी माजी, आप जाइए यहाँ से। छोड़ो मुझे, जाइए आप। बेटा से मिलना है, छोड़ो मुझे, आप यहाँ से छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। सर ये बार बार यहाँ आकर मेरी जान खाती है। मेरा बेटा विश्वा अभी तक घर नहीं आया। माजी विश्वा को कुछ नहीं होगा, वो क्लास में ही है, क्लास के बाद मैं उसे घर लेकर आता हूँ। तुम उसे जरूर लेकर आओगे ना? एक बार मैंने आपसे कह दिया ना, आप चलिए आइए। सर आप इन्हें जानते हैं, ये कौन है? सर मेरी माँ। मैडम मैडम, आप क्या कर रही हैं? बच्चा भूखा है, उसे दूध पिला रही हूँ। देखो तुम्हें जॉन्डिस है, और बच्चे को दूध पिलाना ऐसी हालत में ठीक नहीं होता, उसे भी जॉन्डिस हो जाएगी। बोतल का दूध पिलाओ। पति कहाँ है तुम्हारा? मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए शुक्रिया। ये भी मेरे बच्चे जैसा है, ये लीजिए। क्या हुआ, क्या कोई मर गया? सब खामोश क्यों खड़े हैं? हाँ भाई, आपने उसे गुंडा बनने को तो बोल दिया, लेकिन उसे गुंडा कैसे बनाए समझ में नहीं आता भाई। तू कैसे गुंडा बना रहे भाई? एक दिन बसंत नगर बीच गया, वहां पर एक आदमी से सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी, मना कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया और बस उससे मैंने मार दिया, और उसके बाद सबने मुझे गुंडा बना दिया। हाँ भाई। ओ, और तू कैसे गुंडा बना कालिया, बता। मैं बताऊं, दरअसल मैं सिनेमा हॉल में बैठा फिल्म देख रहा था। पिक्चर इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं बहुत मजे लेके देख रहा था। तभी पीछे से एक आदमी बोला, भाई सब सिर हटाइए। मैंने उसका सिर ही हटा दिया। हे, आगे की स्टोरी तो जानते हैं आप, और पुलिस वालों की मेहरबानी से यहाँ तक पहुँच गया आपके साथ। अबे जटाशंकर ताड़ी मास्टर, तेरी कहानी सुना चल। भाई मैंने शराब बनाई थी, पुलिस को पता चल गया और पुलिस वाले ने आकर मुझे रोका। अपुन ने उसको बहुत समझाया भाई, जब नहीं माना तो अपुन ने उसको ही खत्म कर डाला। मतलब सभी लोग उत्तेजित होकर इमोशन में आकर गुंडे बन गए हैं। मैटर ओवर, अब डॉक्टर को परेशान करते हैं। परेशान करने पर बिल्ली भी शेर बन जाती है, उसे परेशान करो फिर देखते हैं क्या होता है। ऑटो क्यों रोक दिया, क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया, दूसरी ऑटो ले लीजिए। पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ। चलो चलते हैं मां। कितने पैसे हुए? पैसे नहीं चाहिए, मुझे माफ कीजिए। क्यों नहीं चाहिए? माफ कीजिए मुझे,
चलो माँ। मुझसे कुछ छिपा रहे हो, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, जरूर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। क्या हुआ, अचानक बिजली चली गई? ऐसे तो कभी जाती नहीं है, जरा देखो तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैंने देख ली है माँ। क्या कहा? मेरा मतलब प्रॉब्लम मैं देख कर आता हूँ माँ। ऐसा क्या किया जो बिजली आ गई? कुछ नहीं माँ, पावर यूज किया तो करंट आ गया। काशी सर, इस केस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जज बहुत ईमानदार है इसलिए बार बार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। क्या बार बार तारीख तारीख? अरे ये सुबह सुबह कहाँ से पिट कर आ रहे हो? कल रात दामाद जी ने बहुत मारा भाई, बहुत दर्द हो रहा है भाई। क्या मारा उसने तुम्हें? वाह भाई, एक ही लाफे में हम बेहोश हो गए भाई। चुप बे भूतनी के, अबे रो रो के क्या बोल रहे हो, हंस हंस के बोलो। वाह क्या मारा है यार, मुंह तोड़ दिया है। वाह वाह, देखो शकल देखो, भारत का नक्शा बना दिया शकल पे। इधर आ इधर आ, क्या बड़ा काम किया है तूने, मेरी बात सुन, ये देख ये स्विमिंग पूल है, जा आराम कर। और तू इधर आ इधर आ, क्या 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 दांत तोड़ दिया तेरा। अरे फिकर मत कर, मैं हूं ना, ए इसके लिए 200 सोने के दांत मंगा, चल जा। ए वकील साहब, एक आदमी को सजा करने के लिए कितने केस होने चाहिए? देखिए सर, चाहिए तो कम से कम 3 या फिर 2 भी चल सकते हैं। आप 1 दे दीजिए, उसको 3 में बना दूंगा। अरे मेरा वकील भी मेरी तरह चालाक है। बहना डर मत, डॉक्टर का स्टेटस ऊपर आ रहा है, वो भी गुंडा बन रहा है। सोचो वो डॉक्टर गुंडा बनने के बाद कैसा लगेगा। सुंदर बड़ा ओ सुंदर बड़ा, सुन कहीं और जगी चक्कर चला। दिल मांगो दे दू, दिल मांगो दे, क्या जाएगा तेरा क्या जाएगा रे। मस्ती भरी मेरी चढ़ती जवानी, दे तू तुझे दे कैसे भला। किस काम की है तेरी चढ़ती जवानी, दिल सजना रे दिन साजन रे। जा कहीं और जा कहीं और, दिल ना मिले रे दिल ना मिले। यू ना अकड़ दिल दे दे रे दिल दे दे रे। सुंदर बड़ा ओ सुंदर बड़ा, सुन कहीं और जाके चक्कर मांगो दे तू, दिल मांगो दे, क्या जाएगा तेरा क्या जाएगा रे। पा 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 पा।
आने वाले ये जान मुझसे मिल कर कहीं पूछ ले रे कहीं पूछ ले मैं हूँ दीवाना तेरा मान ले माना तू मस्त है बड़ा जबरदस्त है तेरा जवाब नहीं वाह बाबा तुझको अपना कर डालूं हाँ अपने रंग में रंग डालूं क्या बोला रे फिर से बोल सोच दिल तेरे नाम कर दूं सुन दिल बरा ओ सुन दिल बरा सुन कहीं और जाके चक्कर चला ए ए आजा आजा जा 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 रे जा जा ए ए आजा आजा जा रे ए ए जना जना आ आ आजा आजा ए ए जना जना हे हे मुझको तो चाहे प्यारा सा साहिबा दिन रात प्यार 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 करेगा इतना प्यार करूंगा हाँ तू बोलेगी वाह रे वाह जो तुमने बोला वो होगा क्या ऐसा ना हो तुम दो दगा ओ दिल बरा रे ओ दिल बरा दिल ना लगा रे दिल ना लगा दिल मांगो दे दो दिल मांगो दे क्या जाएगा तेरा क्या जाएगा रे मस्ती भरी मेरी चढ़ती जवानी दे तू तुझे रे कैसे भला किस काम की तेरी चढ़ती जवानी बिन सजना रे बिन साजन रे चक रहिया दिल ना मिले रे दिल ना मिले यू ना अकड़ दिल दे दे रे दिल दे दे रे सुंदर बरा ओ सुंदर बरा सुन कहीं और जाके चक्कर मांगू दे तू दिल मांगू दे क्या जाएगा तेरा क्या जाएगा रे गुंडे की गेटअप में सचमुच कितना कमाल का लगेगा वो देखो वो आ गया है अब उसे उसकी माँ के सामने ही अरेस्ट कर लेना तब जाकर पता चलेगा उसे एफआरआई भी तैयार है मैडम हम उसे पकड़ ही लेंगे आओ माँ टमाटर कैसे दिए 500 रुपए किलो कैसे 500 रुपए किलो अरे भाई साहब एक किलो टमाटर का भाव बताओ सर वही तो बता रहा हूँ 500 रुपए किलो क्या मजाक कर रहे हो है? टमाटर का भाव पूछ रहा हूँ तुम्हारे पूरे ठेले का नहीं भी टमाटर के ही दाम बताए हैं ठेले के नहीं लौकी का भाव क्या है 1000 रुपए की एक क्या बोल रहा है ये 4-5 हजार रुपए ए तू क्या बकवास कर रहा है हर जगह टमाटर 5 रुपए किलो बिकता है 5 रुपए में चाहिए ना तो माँ बेटे जाओ और नाले में से जाकर उठा लो ए जबान संभाल कर बात कर हाथ उठाया उसने यही अच्छा मौका है उसे अंदर करने का मैडम उसे मारने दीजिए फिर देखिए मैं क्या करता हूँ चलते जाओ यार जाने कहाँ से मुँह उठा कर आ जाते हैं जाओ ये मेरे यहाँ एक ही दाम होता है समझे लेना तो लो जाओ सस्ता है साहब ये ले लो कोई टेंशन नहीं भाई साहब ये गाजर कैसे दिए एक गाजर 100 रुपए एक गाजर अगर 100 रुपए का तो किलो का क्या हुआ और किलो 1000 रुपए इतना भाव क्यों बता रहे हैं तुम सब लोग पागल हो गए क्या हैं क्या हो गया तुम सब लोगों को तुम लोग यहाँ सब्जियां बेच रहे हो या सोना चांदी दिमाग किसने बिगाड़ा तुम्हारा तेरी माँ ने खिलाकर बिगाड़ दिया है गाजर खरीदने की औकात नहीं है आ जाते खरीदने के लिए चुप कर वो देखिए उसने उसे मारने के लिए हथियार उठाया मारने दीजिए मैडम अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसा दूंगा नहीं बेटा हाँ सही कहा यही कीमत है वैसे गाजर खरीदने की मेरी औकात ही नहीं स्नेक बाबू हमें भी तो दर्शन दीजिए अरे भैया यहाँ तो आइए क्या बोला मुझे भाई बोला तूने अरे इधर तो आइए भैया बुला रहा है हाँ। तुम क्या बोलते हैं जाऊं क्या मैं हाँ तो जाकर देखिए ना क्या होता है अरे तुम लोग भी आओ ना मेरे साथ चलो चलो आप जाइए हम आ रहे हैं
चलो जाकर देखता हूँ क्या करता है। आइए ना। नमस्ते माची। नमस्ते भाई। तुमने उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती की थी, उसी दिन तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा, इसलिए आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? मुझे माफ कर दीजिए, हाथ मिला। अरे तुम प्रॉब्लम बताओ ना यार। भाई साहब, आप यहाँ के काउंसिलर हैं, लेकिन आपके एरिया में अन्याय हो रहा है। मेरे एरिया में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। बताओ, 1 किलो टमाटर 500 रुपए। क्या टमाटर 500 रुपए किलो? और ये गाजर 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो? हाँ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये है, ये पनवती कहाँ से आ गया? सारे खेल का सत्यानाश कर दिया। नहीं छोड़ूंगा, जानता है मैं कौन हूँ? अरे ये सब क्या हो रहा है? नहीं छोड़ूंगा, मैं कौन हूँ जानता है? नहीं छोड़ूंगा, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सब गिरा दूंगा। लूट मची है क्या? स्नेक बाबू मेरा नाम। इधर आ, इधर आ। हाँ मेरे पास महंगा बेचेगा, और बेचेगा महंगा। टमाटर 500 रुपए किलो है, गाजर 1000 रुपए किलो। तू बेचता है ना? छोड़ूंगा नहीं मैं, एक एक को देख लूंगा। अरे स्नेक बाबू को जानता नहीं है, छोड़ूंगा नहीं। है किसी की हिम्मत? आ जाओ, आओ। कौन आता है? स्नेक बाबू है मेरा नाम। नमस्ते। हाँ नमस्ते। क्या है साहब, ऐसे ही अन्याय हमारे मार्केट में भी हो रहा है? अच्छा, वहाँ भी चलकर आपको सॉल्व करना होगा। ऐसी बात है, मैं अपनी शहर की जनता के लिए कहीं भी जाऊँगा, स्नेक बाबू है मेरा नाम, डरने वाला नहीं हूँ मैं। चलो। अरे चलो इसे। लड़कियां भी अब मर्दों को किडनैप करने लगी। हाँ। मेरे जैसे नौजवान को किडनैप किया है। अब आपने मुझे किडनैप कर ही लिया तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नाम क्या है तेरा? बाबू, स्नेक बाबू। इट्स मी। वाओ, नाइस स्माइल। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया खूबसूरत लड़की? मेरे मोती जैसे चमकते दांत, या फिर मेरा बलवान शरीर, या फिर हाथी के जैसे मेरी मतवाली चाल, या सूरज की तरह चमकने वाला ये मेरा चेहरा, या फिर मेरे पॉकेट में भरा हुआ मेरा माल, या मेरी गंभीरता, या मेरी फिर काउंसलर की ये सीट? बोलो ना, तुम्हें क्या पसंद आया? बोलो ना मेरी जान। नो 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 नो, अपनी भावनाओं पे काबू रखो। अब जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो अपने प्यार को जाहिर करने में देर मत लगाओ। तुम अपने प्यार को मुझ पर जाहिर कर दो मेरी जान, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं और सब्र नहीं कर सकती। अरे अरे ये बात है तो जल्दी से शादी कर लेते मेरी डार्लिंग। अरे सब्र करने की क्या जरूरत है? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आ जा आ जा आ जा आ जा। क्या हुआ? मैंने तो हाँ कह दी, फिर क्यों मार रही हो मुझे? अरे 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 मार रही। क्यों बे, कितनी मुश्किल से उसे गुंडा बनाने जा रही थी, सब पर पानी फेर दिया। आने के लिए कोई और वक्त नहीं मिला तुझे? ए, तुझे मेरे आदमी इधर उठाकर लाए तो तुझे क्या लगा कि वो तुझे मुझसे रोमांस करने के लिए लाए हैं? अब दिखाती हूँ मैं तुझे रोमांस का मजा। मैं तुझे नहीं छोडूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। अरे क्या कर रहे हो? अरे बंदूक मत दिखाओ, अरे बंदूक से मुझे बहुत डर लगता है। देखो अगर तुम मुझे बंदूक दिखाओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। बोल रहा हूं, बोल क्या गड़बड़ हो जाएगा? मेरा सूसू निकल जाएगा, सूसू निकल जाएगा। भाग यहां से। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, आपके लोग मुझे उठा कर लाए थे, यही लोग मुझे उठा कर लेके आए थे, यही लोग मुझे लेके जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मैं देख लूंगा। अरे क्या कर रहा है, सांप की तरह हिल क्या रहा है, दिखता नहीं? तो बात नहीं करता क्या? किसकी बात करता? तेरी बात है, लेकिन तुझसे नहीं बोलूंगा। क्यों मुझसे नहीं बोलेगा? वो मेरी मर्जी है। बोल ना। बोला ना मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। तो फिर किसे बोलेगा? वो मैं माँ से बोलूंगा। अबे तेरी तो वो मेरी माँ है। मेरी भी माँ है। वो कैसे पता? मैंने उनके हाथ से खाना खाया है। ओ अच्छा, वेरी गुड, ये बात है। अच्छा हाथ मिला, चल हाथ मिला। कोई फायदा नहीं है, इस हाथ में जान नहीं है, बेजान हो चुका है। उस दिन तुमसे हाथ मिलाया था ना? छी, चल अब जल्दी बोल। बोला ना मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। अबे तू क्या? रुको, उनके गुंडा बनाने से पहले तुम खुद ही गुंडा बनना चाहते हो? क्या कहा? मुझे कौन गुंडा बनाना चाहता है? वही लोग।
अच्छा बता, तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी इस बात का यकीन कैसे करूं? क्या बोला? चलो फिर फोन नंबर दो। नंबर तुम्हारे पास है, तुम खुद ही फोन करके देख लो। हाँ अच्छा आइडिया है, लाओ फोन दो। अरे मेरा फोन क्यों ले रहा है? मेरा फोन ए, इस हाथ में अभी भी जान बची है ना। हेलो बोलिए स्नेक बाबू। हेलो हेलो, कौन है, कौन बोल रहा है? मैं भाई, ये झूठ बोल रहा है। नहीं मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। वो अभी अभी मैंने सुना है कि आप मुझे गुंडा बनाना चाहते हैं, क्या ये बात सच है? आपको किसने बताया? मेरे पास में खड़े हैं हमारे प्यारे स्नेक बाबू, उन्होंने बताया। ऐसा करिए आप खुद ही यहाँ आ जाइए, अपनी आंखों से देख लीजिए ये स्नेक बाबू है कौन। हेयर स्टाइल पसंद है तो उड़ा दीजिए। लगता है ये मेरे को मरवाएगा। अरे इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, इससे पहले मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। भाग ले स्नेक बाबू, भाग ले, यहाँ से इसी में भलाई है। अच्छा मुझे गुंडा बनाने का आइडिया तेरा है या फिर तेरी खूबसूरत बहन का प्लान है या फिर तेरे बूढ़े बाप का? आइडिया बाप का हो, दादाजी का हो, नाना जी का हो, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं कभी गुंडा नहीं बनूंगा। मैं तुझे 5 मिनट में गुंडा बनाकर दिखाता हूँ। 5 मिनट में? कहाँ भाग रहा है? ये क्या डॉक्टर, मैंने तो 5 मिनट कहा था, आप तो 2 मिनट में गुंडे बन गए। अरे क्या सॉलिड चिल्लाया है? मैं इतने सालों में एक बार भी ऐसे नहीं चिल्लाया। जरा देखो आंखें भी लाल हो गई हैं। थोड़े दिन रुक जाओ, हाथ में तलवार भी उठा लोगे। जिस दिन मैं तलवार उठाऊंगा ना, उस दिन तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। वो देख लेंगे डॉक्टर बाबू। दिखाई दूंगा। प्लीज बैठिए। माँ मेरी बात तो सुनो। तुम उससे बात मत कर। पर माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया। माँ भैया कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, पहले इनसे पूछ तो लो। ए तो चुप रह, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं सब समझती हूँ। इसके और काशी के बीच कुछ चल रहा है, वो इसे गुंडा बना के छोड़ेगा? बता तू मुझे क्या समझाना चाहता है? काशी तुझे तलवार उठाने को बोल रहा है और तू उसकी गर्दन काटने को तुला है, ये सब हो क्या रहा है? तुझे गुंडा बावली बनना था क्या? हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, बता ना, गुंडा बावली बनना चाहता है? तू जानता है आज उस गुंडे काशी की वजह से वो विश्वनाथ जेल में पड़ा पड़ा सड़ रहा है? क्यों बेटा, ये लड़की सुंदर है ना, तुम्हारी शादी के लिए इससे बात चलाओ। छोड़ो ना माँ, हम लोग यहाँ आए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, उससे बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं। आइए स्वामी जी। ठीक है बेटा। ओके इधर आओ, इसमें लिखा है हमें साड़ी पहन के। ए क्या बात है? कुछ नहीं, बोल ना। इसमें लिखा है कि तुम्हें साड़ी पहनकर चलना होगा। साड़ी पहनना है तो पहन लूंगी। क्या तुम साड़ी पहनोगी? तो कौन सी बड़ी बात है? माँ तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाओ ना। मुझे नहीं चाहिए। माँ शर्मा क्यों रही हो, खाओ ना। खाना प्यारी माँ, खाओ ना। तू खा, तू खा ना। आंटी क्या बात है? वो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, मैंने आज तक नहीं पहनी, क्या आप पहना देंगी? आ मेरे साथ। ओके। संभाल क्या, संभाल क्या। ठीक है। अच्छा बेटी साड़ी पहनना तुमने अपनी माँ से क्यों नहीं सीख लिया?
मेरी माँ तो है ही नहीं। इसकी माँ नहीं है। मेरे बेटे के लिए बात चला के देखती हूँ क्या कहती है वो। पूछती हूँ उससे। देखने में तो सुंदर है। पता नहीं साड़ी पहनकर कैसे घूमते हैं। अच्छी लग रही हो। रंग भी अच्छा है ना? बेटी, हाँ? तुमसे बात करनी है। मैं कुछ मांगू तो इनकार तो नहीं करोगी? ए, मेरे पास से 100 रुपए निकाल। ठीक है। आओ। क्या कहना है? मेरी बात पर नाराज नहीं होना तुम। ठीक है, बोलो। कैसे कहूँ? तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी। मेरा बेटा भी देखने में इतना खराब नहीं है। वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखेगा। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। क्या कहा? मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। मैं सच कहती हूँ। जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा बेटा भी छोटा आदमी नहीं है। मेरा स्टेटस भी पता है तुम्हें। वो भी डॉक्टरी पढ़ रहा है। बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे साथ इसने बदतमीजी की। अभी देखता हूं इसे। छोड़ बेटा इसे। चलो यहाँ से। आप कौन है? मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? यमराज हूँ मैं। तेरी माँ को लेने आया हूँ, उसके दिन भर गए, समझा? मेरी माँ का क्या कसूर है? मेरी माँ ने पूछ लिया तो क्या गुनाह कर दिया? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा। आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी तो मैं करूँगा। सड़क का भिखारी मेरी बहन से शादी करेगा? मेरी बहन से शादी करेगा? ये भाई, इसको ठिकाने लगा दूँ? रुको, आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन के बारे में सोचने से क्या हाल होता है। अब इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये खुद को नहीं पहचान पाएगा। उस दीपिका के खून के केस में इसको अंदर करवा दो और इसे उस केस में मौत की सजा होनी चाहिए। फुलझड़ी कहाँ जा रही है? ए, 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 रुक रुक रुक। ए, क्या बात है? हाँ, आज धक्का क्यों नहीं मारा? प्रॉब्लम क्या है? डर क्यों रही हो? जवाब दो। वेलकम पूजा, वेलकम। आइए आइए। क्या हुआ दीपिका? मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? कुछ नहीं, एक छोटा सा डाउट था मुझे। ऐसी कोई जरूरी भी बात नहीं थी। क्या डाउट है दीपिका? कॉलेज की खास स्टूडेंट पूजा, आनंद को कितनी बार धक्का मारा तुमने? ऑप्शन ए 45, बी 10 एंड सी 25। मिस पूजा, 10 सेकंड में मुझे आंसर दो। हेल्प चाहिए तो पूछ सकती हो, फोन अ फ्रेंड। सोच लो, सोच तू। सॉरी, मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम है। ऑप्शन सी 25। 25 टाइम्स तूने आनंद को धक्का मारा है। सॉरी दीपिका, सॉरी, अनजाने में धक्का मारा मैंने। ओह, अनजाने में धक्का मारा? कोई बात नहीं, मेरे आदमी जानबूझकर मारेंगे। प्लीज प्लीज दीपिका, मैंने ये अनजाने में किया। तू उससे प्यार करती है या मुझे मालूम नहीं था? अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे कभी धक्का नहीं मारती। नहीं दीपिका, नहीं नहीं, मुझे मत छूना। नहीं नहीं, मुझे मत छूना। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी, उससे दोस्ती भी नहीं करूंगी।
बोलो ना दीपिका, बोलो ना दीपिका, नहीं दीपिका, नहीं नहीं दीपिका, नहीं दीपिका, नहीं नहीं दीपिका, 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 छोड़ दो उसे, ये सिर्फ एक ख्याल था, दोबारा ऐसी हिम्मत की ना, भाग, आई चलकर मेरे हीरो से आंख लड़ाने यस आनंद, वो तुम्हें बेपनाह प्यार करती है। उसकी आंखों में मैंने एक ज्वाला देखी है। तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। वो पागल हो चुकी है। इट्स ओके, टेक इट इजी। इट्स ओके आनंद, यू टेक केयर, टेक केयर। भाई बहन मिलकर तुझे गुंडा बनाना चाहते हैं, मालूम है क्या तुझे? मालूम है, बोल। तुम लोग इधर जाओ और तुम लोग उधर जाओ। ए, रुक जाओ तुम लोग, ये अकेला 10 लोगों को मारेगा, कराटे यही है, देखना तुम लोग। अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें इस जगह पर मारूंगा तो पुलिस भी नहीं आएगी और केस भी नहीं होगा। वैसे मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम सब कितने बड़े गुंडे हो। चलो आ जाओ। असली हीरो। थैंक यू मास्टर। अरे छी, किसी को गुंडा बनाना कोई मुश्किल बात है क्या? किसी अच्छे आदमी को गुंडा नहीं बना सकते? बहना, अगर मैं चाहूं,
तो उसे गांजा बॉम्ब के चक्कर में उठाकर अंदर डलवा सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर गुंडे की मोहर लग जाएगी। लेकिन तू अपने दिल के अंदर उसे हीरो बनाकर बैठी है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हे, इतने दिन से तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए नाकाम हो रहे थे। जाओ उसके फैमिली को डिस्टर्ब करो। कौन है तुम? मेरे लिए आरती की थाली लेकर आओ। और तू है कौन? आरती क्यों लेकर आऊं तेरे लिए? सुनो ना माँ, ये जो बोल रही है वो सुन लो, नहीं तो तुम्हें आइसक्रीम खानी पड़ेगी। क्या आइसक्रीम खानी पड़ेगी, क्या बोल रही है तू? पहले अंदर तो चलो, मैं बताती हूँ, चलो ना। बोल। माँ, ये वही है जो भैया को टॉर्चर करती है। अभी यहाँ क्या लेने आई है? दूसरी कोई बात नहीं है, हम लोगों को टॉर्चर करने आई है। तुम सबसे पहले आरती की प्लेट लेकर जाओ। मैं क्यों उसकी आरती करूँ? हाँ, मेरी बात सुनो ना, जाओ। गुड। इतने में खुश हो ना? चलो माँ। मैं कैसी दिख रही हूँ? बहुत अच्छी दिख रही है बेटी। शक्ल सूरत कैसी दिख रही है? बहुत अच्छी दिख रही है बेटी। आवाज कैसी है मेरी? बहुत मीठी आवाज है, बहुत अच्छी बात करती हो। मैं अच्छा गाती भी हूँ, सुनाऊं क्या? गाने वाने की क्या जरूरत है, बात करने से पता लगता है तुम बहुत अच्छा गाती हो। एग्जैक्टली, मेरे में कोई कमी नहीं है। लेकिन चर्बी कम नहीं है? नहीं। फिर क्यों तेरे लड़के को मैं पसंद नहीं? बोल। तूने तो उसे पैदा किया है ना, तू जो बोलेगी वो सुनेगा, है ना? उसको बोलना कि आज मेरी बहू घर पे आई थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, अब तू उससे शादी कर ले। ये उसे समझा देना। समझाऊंगी बेटी। ठीक तरह से समझ गई ना? अच्छे से बता देना तू, नहीं तो तेरे बेटे को गुंडा बनने में वक्त नहीं लगेगा। स्टेटस की बात करता है, ऐसा स्टेटस बताऊंगी उसे जैसे ये मछली तड़प रही है ना, ऐसे ही उसे पाने के लिए मैं तड़प रही हूँ। तेरे समझाने पर भी अगर वो नहीं समझाना तो ये जो मच्छी की हालत है ना। काशी बहुत खतरनाक आदमी है, तुम बेकार में उसे लड़के जीत नहीं पाओगे। तुम लोग अपने गांव चले जाओ, तुम्हारी पढ़ाई की जरूरतों का खर्च मैं उठाऊंगा। सर प्लीज सर, मैं ये शहर छोड़कर क्यों जाऊं? मैं नहीं जा सकता। आनंद जिद मत करो। सर प्लीज, मैंने कह दिया ना मैं नहीं जा सकता। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते क्यों नहीं हो? जाने में या अनजाने में तूने शेर का मुंह पकड़ लिया बेटा, अब तुझे तय करना है इधर या उधर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चे को खो बैठूंगी, ऐसा कुछ भी हो ये मैं नहीं चाहती। ठीक है माँ, मेरे मन को जो ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगा। कहना क्या चाहते हो तुम? सेठ, तेरे को 10 बार समझाया समझ में नहीं आता है, गले पे चाकू रखा तो बराबर समझता है। भाया तू मने मत मार, देख मेरी जान कितनी घबरा रही है। अच्छा, काशी तेरी घबराहट को दूर कर देगा। देख सेठ, मौत की घंटी बज गई। एक मिनट। हेलो, आनंद बोल रहा हूँ, मैं तेरी बहन से शादी करने को तैयार हूँ, शादी की तैयारियां शुरू कर दे। ये तेरा टाइम अच्छा है, चल भाग जा। ओ लो 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 लो। क्या हुआ भाई, क्या विकेट गिर गया क्या? हाँ मोटे, मेन विकेट, मेरी बहन ने जो बॉल डाली थी, दामाद जी क्लीन बोल्ड। काशी भाई की बहन की शादी पक्की हो गई। अरे वाह, अरे कहे कहे दिल की लगा ले बाजी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे 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 प्यार किए जा, मैं भी जानू तू भी जाने, तू तो है मेरा। मुझे न
ना मिलेगी तो, अगर ना मिलेगी तो देखना पीछे तेरे पढ़ूंगा रानी। मैं तो बस तेरी हुरे, हाँ बस तेरी हुरे, दिल पे लिखा रे, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया। कहे 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 दिल की लगा ले बाजी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे 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 प्यार किए जा, मैं भी जानू तू भी जाने, तू तो है मेरा। कहा जी तुमने क्या सुना जी, हम भी तो हैं तेरे। लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया। लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया, लिखा लिखा दिल पे रे तेरा नाम लिख लिया। भाई भाई दमाजी आ गए। अरे दमाजी आ गए, दमाजी आ गए। हाँ चलिए, आइए 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 दमाजी, आइए आइए आप भी आइए। नमस्ते नमस्ते, तुम आगे चलो मां, आइए आप अंदर आइए 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 दमाजी आइए, चलिए चलिए दमाजी चलिए आइए। ये है कमिश्नर साहब, ये हमारे दामाद हैं। मुबारक हो। आइए, ये मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक। ये कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब हैं। और ये चड्डा साहब। हेलो हेलो यंग मैन। ये कस्टम ऑफिसर। हेलो, अरे 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 मेरी लाडली, कहीं मेरी नजर न लग जाए। आओ बैठो 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 बैठो। सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूं। ये खुशी की वजह है डॉक्टर आनंद। इस पूरी दुनिया में इन दोनों जैसी जोड़ी नहीं देखने मिलेगी।
अगली 15 तारीख को मेरी बहन की शादी है। आने वाली 15 तारीख को तुम छूट जाओगे। क्या बोल रहा है तू? क्या मैं छूटने वाला हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर होगा। 9 बज गए, अभी तक क्यों नहीं आई? गुड मॉर्निंग मैडम। आपने मुझे गुड मॉर्निंग बोला? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, कार आपने गलत जगह पार्क किया है। अब मैंने सही जगह पर लगाई है। लड़की को तो भगवान भी नहीं समझ पाया, मैं क्या समझूं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अरे फुलझड़ी, दोबारा टक्कर मार दी तूने? क्या हुआ तुझे? I'm sorry, दीपिका। मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा, आज गलती से लग गया। मुझ पर विश्वास करो, मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहती हूँ दीपिका। चुप हो जा। क्या हुआ तुझे? I'm sorry। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। डरना बंद करो। मालूम है पूजा, तुमसे अनजाने में धक्का लग गया। तुम्हारे चेहरे का डर ही बता रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तुमसे ही नहीं, यहाँ जितने लोग हैं उन सबके साथ मैंने ऐसा ही व्यवहार किया है। मैं जहाँ पर पैदा हुई हूँ वहाँ आसपास सारा ऐसा ही माहौल था। तुम लोगों के लिए तो तुम्हारी माँ ने लोरी गाई होगी, मगर मुझे लोरी सुनाने वाले भी गुंडे थे। खाना खिलाने वाला हाथ भी गुंडे का ही था। गुंडे के साथ ही बड़ी हुई, इसलिए गुंडा कदी पेशा बन गया। I'm very sorry. It's okay. Bye. साड़ी में तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। ये गजरा भी अच्छा लगता है और इस साड़ी में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। आज पहली बार तुम एक हिंदुस्तानी नारी लगती हो। हेलो, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ दामाद बाबू, बोलिए बोलिए। दीपिका वहाँ है क्या? दीपिका यहाँ तो नहीं है, आप उसका मोबाइल ट्राई कर लीजिए। मैंने ट्राई किया था लेकिन उसका सेल फोन ऑफ आ रहा है। ऑफ है क्या सेल फोन? जी हाँ जी, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे शॉपिंग करने जा रही है बोल रही थी, देखो मॉल में होगी, जाओ ढूंढो। okay, भाई हाँ जी दामाद जी कहिए। हाँ दीपिका आई क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आई। कॉलेज में फोन किया क्या? हाँ कॉलेज में फोन किया, वो वहाँ भी नहीं है। कोई खबर मिली क्या? दामाद बाबू हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं दामाद बाबू ऐसा मत कहिए, मैं देखता हूँ।
सुबह कॉलेज जाने से पहले उसने कौन से कलर की साड़ी पहनी हुई थी? एक मिनट, दीपिका ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? पिंक कलर। क्या कहा? पिंक कलर? अब हाँ, क्या हुआ? अभी अभी मैंने एक बुरी खबर सुनी है। मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट का गला काट कर उसे रोड पे फेंक दिया है। उसने भी पिंक साड़ी पहनी थी। नहीं 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 दामाद जी सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता दामाद जी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं भी यही दुआ करता हूँ। एक काम करो, तुम वहां पहुंचो, मैं भी वहां आता हूँ। ठीक है दामाद जी, चलो रे। आधे घंटे से एम्बुलेंस, डेड बॉडी, ये सब बताकर मुझे घबरा दिया, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है? साले साहब, तुम्हारी बहन तो 4 घंटे से मेरे साथ ही थी। साले साहब, ये जगह तुम्हें याद है? एक लड़की को तुमने यहाँ तड़पा तड़पा के मारा था, तुम ये जगह कैसे भूल सकते हो? हाँ, तुम सोच रहे हो कि ये सब मुझे कैसे मालूम हुआ? कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया मुझे। मेरी गन ला रहे। अरे अरे रुक जा, आजा इधर आजा, बताता हूँ। प्रिंसिपल अब यहाँ नहीं है, लंदन में है। तेरी बहन तुझसे 4 घंटे से दूर है तो तेरी ये हालत है? जरा उस परिवार के बारे में सोच कर देख जिसकी लड़की को तूने बेरहमी से मार डाला था। अपने बहन के प्यार में अंधा होकर तूने उस बेचारी लड़की को बेरहमी से मार डाला और किसी बेगुनाह को फंसाया। उसका नाम विश्वनाथ था। तू सोच रहा है कि मैं उसके बारे में कैसे जानता हूँ? विश्वनाथ मेरा सौतेला भाई है। माँ तुम्हारी बहन की शादी विश्वनाथ से नहीं, मुझसे करवाना चाहती थी, इसी आनंद से। अब मैं क्या करूं कहो? जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा मेरा भाई भुगत रहा है। अगर तुम्हारी बहन की शादी मुझसे करनी है तो जाके पहले सरेंडर करो। मेरी बहन की शादी से बढ़कर कुछ नहीं। अंदर जाओ। दामाद जी, मेरा सरेंडर जरूरी है क्या? आप ही जरा सोच कर देखिए। नहीं नहीं सोच कर, अभी क्या मैं फसाद की जड़ हूं? चाहो तो मैं थोड़े दिन दूर चला जाता हूं, चाहो तो हिमालय के वीरान पहाड़ियों में जाकर थोड़े दिन में वापस आ जाता हूं मैं। हाँ, लगता है तुम्हारी बहन को कुंवारी रखने का इरादा है। चलिए चलिए दामाद जी, चलते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लेके जाओ इन लोगों को। आओ आओ काशी। नमस्कार। कैसे हो? बस चाय कॉफी क्या पियेंगे सर? नहीं नहीं चलेगा। कैसे आना हुआ? ये कॉफी ही पीते हैं सर। जाओ लेके आओ। क्या काशी, दामाद को साथ में लेके आयो? कार्ड देने आयो क्या? अरे एक फोन कर देते, मैं खुद ही आ जाता। कॉफी पीने नहीं आए, सरेंडर करने आए हैं। सरेंडर करने? जी हाँ सर, पिछले साल बरसात में हार्बर लाइन में दीपिका नाम के लड़के का कत्ल हुआ था, वो मैंने किया था। प्लीज मुझे अरेस्ट कर दीजिए। क्या काशी, मजाक कर रहे हो? चलो कॉफी पियो। सर मजाक तो आप कर रहे हैं, ये यहाँ बयान देने आए हैं और आप इन्हें कॉफी पिला रहे हैं। आप ड्यूटी पर हैं, समझ गए आप? असली कातिल तो बयान देके अंदर बैठा है, इनको कैसे अरेस्ट कर? सर इन्हीं को तुम्हें अरेस्ट करना है। जो अंदर बैठा है वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। उसे मार कर टॉर्चर करके उसे कबूल करवाया गया है। असली कातिल तो ये है और ये कबूल भी कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर। अरे रे रे काशी भाई, ये डॉक्टर है या लॉयर है? अपने घर का झगड़ा अपने घर से बाहर मत निकलने दो। मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अरे कौन सा टाइम हो गया है? ये बयान देने को तैयार है, आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ड्यूटी पर हैं, आप लोग हमारी रक्षा करते हैं। ये क्या? देखिए मेरी काशी, संभालो उसे। डैमेट। अरे दामाद जी सुनिए 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 तो। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने जहाँ आने को कहा मैं वहाँ चुपचाप चला आया, पर कोई मुझे अरेस्ट करने को तैयार नहीं। मैं तो सरेंडर कर रहा था, लेकिन आप ही ने देखा ना, वो लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे। दिल कर रहा है कि अपने हाथों से तेरा गला। अरे वाह, तुम तो मेरी तरह हो गए हो। पहले यही काम करो, दामाद के हाथों मरने से अच्छी बात और क्या हो सकती है? पहले यही करो। साहब आपका पासपोर्ट आया हुआ है, इसको संभाल के रखिए। मुझे क्यों दे रहा है? मेरे दामाद जी को दे। चल जा, ये लीजिए दामाद जी। पर मैंने तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया ही नहीं। जरा देखिए तो सही। हे, मेरे नाम का पासपोर्ट क्यों निकाला? क्या दामाद जी, मेरी बहन से शादी करके कोई अच्छी सी जगह हनीमून के लिए जाना चाहिए। कौन से देश जा रहे हो, कभी जा रहे हो, ये मालूम नहीं था, इसलिए हर जगह का वीजा डलवा कर पासपोर्ट तैयार करवा दिया है। अब बस टिकट आना बाकी है।
हाँ, शादी के बाद ही हनीमून होता है ना। अच्छा, अपनी पावर दिखाकर मुझे डराना चाहते हो हैं? आज तो तू शायद जीत गया, लेकिन तुझे कैसे हराना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो बाद में देख लेंगे, ये शादी जरूर होगी, वो भी उसी तारीख को उसी जगह पर होकर रहेगी। शादी में दूल्हे को टेंशन में नहीं रहना चाहिए, रिलैक्स मैन। हेलो दीपिका, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बहना, बहना क्या हुआ, ये सब नीचे क्यों फेंक रहे हो? ये बात मत करो, मुझे सब मालूम पड़ गया है। देखो तुम जैसा सोच, हाथ मत लगा उसे, शादी नहीं होगी। नहीं होगा, वो तुझे जरूर अपनाएगा, तेरी शादी होकर रहेगी। वो नहीं अपनाएगा। अपना लेगा। वो मुझे नहीं अपनाएगा। वो तुझे अपना लेगा। नहीं अपनाएगा मुझे। मैंने कहा ना वो अपना लेगा। नहीं अपनाएगा, नहीं अपनाएगा। बहना ये क्या कह रही हो बहना? नहीं अपनाएगा, नहीं, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो मुझे नहीं अपनाएगा भैया। यारे तमाशा देख रहे हो, फटाफट खेलने का काम करो। चलो 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 जल्दी बंदो। हाँ बंदो, जल्दी उतर, चलो ठीक है। हाँ जल्दी करो, चलो 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 चलो। नहीं यार, हाँ ठीक है। रुक जाओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई ने तुम्हें ये माला पहनने को बोला है। शादी करनी है तो माला खुद ही पहन ले। भाई ने तुम्हें ही ये माला पहनने को बोला है। चल निकल। ए भाई ने, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। तू क्या सुनाएगा? ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, तूने मुझे जैसा करने को कहा मैंने वैसा किया, बोल किया कि नहीं? तू अपने भाई को छुड़वाना चाहता है ना, उसे छुड़वाना चाहता है बस ना। हाँ, बस इतना ही। समझ ले वो छूट गया, कल शादी के मंडप में वो मौजूद रहेगा। अब बस कर, कल वो रहेगा वहां पर। ये बहुत रिस्की है काशी। तुम्हारे रिस्क का रेट क्या है? विश्वनाथ को निकालना बहुत आसान है काशी, अगर इंस्पेक्टर चाहे तो। मैं एफआईआर की कॉपी बदली कर देता हूँ, लेकिन जो केस के पेपर्स हैं वो वकील के पास हैं। अगर गवाह बदली हो जाएंगे तो मैं केस को आसानी से बदल सकता हूँ। जो सजा दी है उसको बदल देता हूँ। जेल के सुपरिंटेंडेंट की क्या राय है? सरा मोहन को अंदर भेज दो, विश्वनाथ को बाहर भेज दो। लेकिन ये सरा मोहन है कौन? सर आप मुझे 50,000 रुपए दो, मेरा साला फालतू बैठा है, उसको ही उठाकर अंदर कर देता हूँ। अपना कोट उतारकर अपना धंधा बदली कर दो। इंस्पेक्टर अब तुम ही कुछ करो। ओके सर, ये काम मैं कर देता हूँ, उसकी जवाबदारी मेरी होगी। ये लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इस केस से संबंधित फाइल गवर्नमेंट की कस्टडी में है, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या बोलता हूँ भाई, तुम्हें उस फाइल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कैसे भी करके उड़ा के ले आता हूँ।
नमस्ते सर, आपके कहने के अनुसार हम लोग विश्वनाथ को आजाद करके ले आए। अब मैं चलता हूँ सर। हेलो। नमस्ते दामाद जी। काशी बोल रहा हूँ। जैसा तुमने कहा था वैसे तुम्हारे भाई विश्वनाथ को छुड़ा कर ले आया हूँ। कल 10 बजे शादी के मंडप में आ जाना है, ये याद दिलाने के लिए फोन किया था। अरे वाह, मेरा भाई छूट गया है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बदले में तुम सेंट्रल जेल में जाओगे? सेंट्रल जेल? भला मैं क्यों सेंट्रल जेल जाऊं? क्या साले साहब बिना लॉजिक की बात कर रहे हैं। जब आप अंदर जाओगे तभी तो मेरा भाई बाहर आएगा ना। नहीं, मैंने दूसरे आदमी को भेज दिया है। क्या कहा? दूसरे आदमी को अंदर भेज दिया? बाप रे, फिर एक बार गलती कर दी ना साले साहब। क्या दामाद जी, अगर बहन की शादी में रहूंगा तभी तो कन्यादान कर पाऊंगा। तुम जेल के अंदर रहकर भी कन्यादान कर सकते हो। तू ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा मुझे पता था। शादी होने तक तूने एक एक मिनट तक मुझे परेशान किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि तेरा भाई मेरे पास है। सीधे सीधे शादी के मंडप में सुबह आ जाना और मेरी बहन को मंगल सूत्र पहनाकर ले जाना। ए, चलो रे, इसको उठाकर अंदर डालो। लगता है इसको बहुत पैसा मिला है। जैसे कमर के चारों तरफ इसने बहुत पैसा बांध रखा है। इतना पिया है कि टोपी से रख गई है। क्या मैटर है भाई? मैं खुद बोलने वाला था साहब, इस सब का कारण काशी है। एक लड़के को बाहर निकालने का था, उसके लिए 2 करोड़ रुपया खर्च किया, मुझे भी शेयर मिला, वो लेकर मैं सेटल हो गया। इतना बोला? 2 करोड़? काशी की बहन की शादी होने के लिए विश्वनाथ को रिलीज करने को डॉक्टर आनंद ने बोला है। आनंद? काशी? मैटर कंफ्यूजिंग लग रहा है। वो काशी के वास्ते तो मेरी मूछ ही चली गई, मेरी मूछ के साथ साथ मेरी इज्जत ही चली गई। हाँ। अरे ये तो विश्वनाथ है। हाँ? क्या बोल रहा है तू? अभी तो उसको काशी के पास देख के आए, बच के भाग रहा है। लेकिन ये भाग क्यों रहा है कुछ समझ में नहीं आया यार। अभी इसको हम बाहर डालेंगे तो काशी की बहन की शादी रुक जाएगी। पकड़ो इसे, पकड़ो इसको, पकड़ो। ए रुक जा, पकड़ो, भाग रहा है, भाग रहा है। रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? ए रुक, अरे पकड़ो उसे। ए रुक, अरे चलो जल्दी करो, रुक जा। ए भाग कर रहा है। अरे रे रे रे, अभी तक तैयार नहीं हुई बहना। चलो आप सब जाओ। ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? सब आ गए, कमिश्नर, मिनिस्टर, एमपी, सब। चलो तैयार हो जाओ। सबके साथ दूल्हा आया क्या? दूल्हा तो आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तुम तैयार हो जाओ, वो जरूर आएगा। तुम तैयार हो जाओ, वो आएगा। यजमान, मुहूर्त का समय हो रहा है, दूल्हे को जल्दी भेजिए। जी वो रास्ते में है, अभी आते ही होंगे। इधर आ, घर पे जा और जरा देख क्या दामाद जी वहाँ है कि नहीं। क्या? हाँ भाई। हाँ भाई जाओ, वहाँ मेहमानों का स्वागत करो, जाओ। जाते हैं भाई। हेलो, दामाद के घर पे ताला है भाई। ए, पूरे शहर में उसे ढूंढो, मुहूर्त से पहले वो मंडप में होना चाहिए, समझे? जी भाई।
क्या हो गया दामाद जी, क्या हो गया? आप यहाँ कैसे आ गए? ये सब, ए चाबी ला, ये सब कैसे हुआ? किसने तुम्हें अंदर डाला दामाद जी? क्यों तुमने मुझे अंदर डाला? और अब तुम खुद ही मुझे निकाल रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको क्यों अंदर डालूंगा? ए, किस बेवकूफ ने इनको अंदर डाला? तूने जिस बेवकूफ को बोला था उसी ने मुझे अंदर डाला। दामाद जी, आप बार बार गलत समझते हैं, मुझ पर विश्वास कीजिए। सच कहता हूँ, मेरी बहन की कसम खाता हूँ, मैंने आपको अंदर नहीं डाला। तूने अगर अंदर नहीं डाला तो किसने डाला? मुझे पता नहीं। ऐसे कैसे तुम्हें पता नहीं? मैं वो कुछ नहीं जानता दामाद जी, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आप जल्दी से चलिए, ये सब बाद में बात कर लेंगे। सुनो, मैं अपने दामाद को लेकर जा रहा हूँ, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, चलिए दामाद जी। काशी, तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे कोई पिक्चर दिखाने ले जा रहे हो। ये सेंट्रल जेल है, तुम जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा, तुम्हारा बहनोई यहीं रहेगा, तुम जाओ यहाँ से। क्या साले साहब, पुलिस वाला ऐसी बातें करता है? अगर तुम्हारे पास इतना ही पावर है तो मुझे बाहर निकालो, तब तक मैं ऊपर बैठता हूँ, ठीक है? रुकिए दामाद जी, मैं कुछ करता हूँ। किस से बात कर रहा है तू? काशी से बात कर रहा है? जो बोल रहा हूँ सुनो काशी, कोर्ट के परमिशन के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। साले साहब, ये सब देखकर लग रहा है कि तुम्हारी बहन की शादी तो नहीं होने वाली है। अगर शादी होनी है तो बात करके कैसे भी मुझको यहाँ से बाहर निकालो, तब तक मैं ऊपर बैठता हूँ। क्या दामाद जी, मंडप में मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैंने तेरे को बोला ना यार, तेरे को एक बार मुझे इनको ले जाने दे, बाद में मैं वापस आकर तेरा सेटअप कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक और मीटिंग रखना पड़ेगा। एक और मीटिंग? ऐसा? पहले से ही मीटिंग करके 2 करोड़ का खर्चा किया है मैंने ये देखने के लिए? सुन ले, अगर मेरे दामाद को ले जाने नहीं दिया तो मैं आईजी को फोन करूंगा। कॉन्फ्रेंस रूम में जो 2 हाथ से पैसे बटोरे उसका वीडियो बनाकर रखा है मैंने, तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ये मीटिंग बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, 2 करोड़ रुपए क्या बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं। अरे कुछ नहीं दामाद जी, वो दीपिका मर्डर केस है ना, जिसमें तुम्हारा भाई अंदर था, उसको बाहर निकालने के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। क्या हुआ बहना, तुम यहाँ क्यों आई? आप जो यहाँ बात कर रहे हैं उस सबका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सॉरी काशी, आप मेरे बाप समान है, माँ समान है, मेरा सब कुछ है। अगर आपके हाथों में हथकड़ी लगने से मेरी शादी होगी तो ऐसी शादी नहीं चाहिए मुझे। ऐसा प्यार भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी। अब भी मैं बच सकता हूँ, वो सब की जरूरत नहीं। तुझे अपनी पसंद का लड़का मिले इसलिए ये सब मुसीबत उठाई मैंने। तेरी खुशी ही मेरा सब कुछ है। तूने जो कुछ भी कहा मैंने वो मान लिया, तेरे लिए जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं। मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी मत दे, मेरी बात मान। सुपर माय डियर बिग बी, थैंक यू, बहुत समझदार हो। मेरे आदमी को अपनी तरफ करके तुमने मुझे ही फंसा लिया। गुस्सा तो तुम पर बहुत आता है मुझे, पर मेरी बहन को मनपसंद साथी मिला इस बात की खुशी है। दामाद जी, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मुझ पर बहुत प्यार था, इसलिए कोई गलत हरकत की होगी, अब उस बात को आगे मत बढ़ाना। मैं बुरा आदमी हूं, मुझ पर गुस्सा करो,
मेरी बहन पर गुस्सा मत करना था मच्छी, उसे अपना लीजिए बिग्बी, अपना लीजिए। प्लीज, तुझ जैसे गुंडे की बहन को तो मैं कभी नहीं अपना सकता। लेकिन जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं उसे अपनाऊंगा। काशी, अभी तो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मालूम पड़ा ना? इस सब के पीछे तुम? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी मूछों पर नजर है, और तेरी इतनी हिम्मत तूने उसी पे हाथ रख दिया। अच्छा है, अब अपनी मूछों का कमाल तुझे अभी दिखाता हूँ। क्या जमाई बाबू, अब चले ससुराल? सर, मूछों को संभालना। ये स्ट्रॉन्ग है। अब चले क्या? खुशी से चलेंगे। बिग्बी, दामाद जी, आखिर जीत मेरी हुई। कहा क्या, सुना क्या, सुना रे, तुझे चाहे चाहे।